मैं लाइव रहमान रहीम। वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपको बताता जाऊँ, जिस बुक को हमने फॉलो किया है वो खालिद मसूद है। एक इसका छठा एडिशन है और एक इसका पांचवा एडिशन है जो पीडीएफ फॉर्म में है। तो जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो पांचवें एडिशन से है, क्योंकि यूएचएस के एग्जाम में पांचवें एडिशन से सवाल आते हैं, सिक्स में से अभी तक सवाल नहीं आ रहे। यानी जो टीचर्स हैं उनके पास पांचवा एडिशन पड़ा हुआ है, तो पांचवें एडिशन को आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है, जिसकी रिवीजन मैं कर रहा हूँ। और चूंकि पूरी किताब को एक्सप्लेन करना, रिवाइज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, तो 1.5 घंटे के अंदर मैंने फुल स्पीड से कोशिश की है, तो इसके लिए माजरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्थ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन, मॉनिटरिंग सारी आ जाती है। COMP, C फॉर कम्युनिकेटिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, M फॉर मॉनिटरिंग, P फॉर प्लानिंग। ओके, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की डेफिनेशन क्या होती है? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ये होता है कि जो बेनिफिट्स होते हैं आर एक्सप्रेस्ड इन मॉनिटरी टर्म टू डिटरमिन वेदर अ गिवन प्रोग्राम इज इकोनॉमिकली साउंड और नॉट। ओके, तो जो बेनिफिट्स होते हैं अगर वो मॉनिटरी टर्म में रिप्रेजेंट करो, दिस इज अ कॉस्ट बेनिफिट। ओके, अ ग्राफ प्लान ऑफ ऑल इवेंट्स एंड एक्टिविटीज टू बी कम्प्लीटेड इन ऑर्डर टू रीच एन ऑब्जेक्टिव, दिस इज़ अ डेफिनेशन ऑफ नेटवर्क एनालिसिस, जिसमें इवेंट्स होते हैं, एक्टिविटीज़ होती है जो किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए की जाती है। प्लानिंग के अंदर प्लान फार्मूलेशन, एग्जीक्यूशन, एवेल्युएशन आ जाती है। ओके, अब डायरिया की प्रीवेलेंस ज़्यादा है, सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए प्लानिंग करनी है। प्लानिंग में पहले आपने सिचुएशनल एनालिसिस करनी है, प्रायोरिटीज़ को सेट करना है, फिर आपने बेस्ट मेथड को सिलेक्ट करना है, फिर आगे मॉनिटरिंग, इंप्लीमेंटेशन, इवेल्युएशन करनी होती है। व्हाट इज वर्क सैंपलिंग? वर्क सैंपलिंग इज द सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एक्टिविटीज ऑफ एन इंडिविजुअल, कि बंदा काम कर रहा है उसकी एक्टिविटीज को देखना और रिकॉर्ड करना। ओके, इसके बाद अगर बेनिफिट्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट अचीव, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव। अगर बेनिफिट्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी, तो ये होता है कॉस्ट बेनिफिट या कॉस्ट इफेक्टिव है। वट इज़ द क्रिटिकल पाथ मैथड? CPM। CPM होता है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट मैथड ऑफ द नेटवर्क, और नेटवर्क एनालिसिस की हमने पढ़ लिया है। हेल्थ केयर नीड्स क्या होती है? इरेगुलर होती है, मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ होती है, अनसर्टेन होती है और राइट होती है। ओके, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर इट इज़ मोर इफेक्टिव दैन द एक्यूट केयर, एहतियात इलाज से बेहतर होती है। ओके, वाइल इवेल्यूटिंग अ न्यू वैक्सीन, डॉक्टर एस्टिमेट द नंबर ऑफ लाइफ सेव बाई यूजिंग वैक्सीन। यानी अगर जो बेनिफिट्स होते हैं आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ, अभी हमने पढ़ा था कि यहाँ पर कि अगर बेनिफिट्स आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट अचीव, तो ये डेफिनेशन होती है कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जो लोग है अर्बन स्लम के हैं, वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर रखना चाह रहे हैं, रोबोट्स बनाना चाह रहे हैं, इन्होंने एक सिस्टम को ख़राब कर दिया। यानी कहने का मतलब है कि इन्होंने दूसरी डिमांड्स को रद्द कर दिया, सिर्फ इसको प्रायोरिटी दिया। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्रायोरिटाइजेशन है। हाउस वाइफ ने एक मील को प्लान किया सो डैट ईच पार्ट ऑफ द मेन्यू इज़ कम्प्लीटेड एट द सेम टाइम, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड द रिव्यू टेक्निक, जिसको हम पर्ट कहते हैं। हेल्थ प्लानिंग और मैनेजमेंट के अंदर जो लॉन्गेस्ट पाथवे होता है वो CPM, क्रिटिकल पाथ मेथड होता है। बेड ऑक्युपेंसी क्या होती है? बेड ऑक्युपेंसी कितने कहने का मतलब कितने बेड आपको बाय हो रही है, टोटल बेड कितने और कितने एडमिटेड पेशेंट है, मल्टीप्लाई 100। सेकंड लास्ट MCQ है, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल, तो ये हमने पढ़ लिया, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क सैम्पलिंग है। और जो क्वांटिटेटिव हेल्थ मैनेजमेंट होती है तो वो कॉस्ट इफेक्टिव होती है, इसके अलावा कॉस्ट बेनिफिट भी हमने पढ़ा था। पीछे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, तो जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वो है मेंटल हेल्थ है। तो जो वार्निंग साइन होते हैं पुअर मेंटल हेल्थ के, इसमें क्या नहीं आता? लैक ऑफ कंसंट्रेशन इन द एकेडमिक एक्टिविटी, यह नहीं आता। बाकी बीइंग कंटिन्यूली अनहैप्पी, बीइंग अपसेट ड्यू टू डिस्टर्बेंस, ये सब चीज़ें आ जाती है। द फैक्टर और सब्सटेंस कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एबनॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर, तो इसमें सारे सब्सटेंस आते हैं, बारबिट्यूरेट, आयोडीन डेफिशिएंसी है। माइल्ड मेंटल डिसऑर्डर की परसेंटेज कितनी होती है? 10 होती है। इसके बाद सीवियर वाला भी आएगा, उसमें 1 आ जाएगा, 1 और 10 को रट्टा मारना है। रिगार्डिंग द डिप्रेशन विच इज़ नॉट करेक्ट, डिप्रेशन इज़ द सेकंड मोस्ट कॉमन मेंटल डिसऑर्डर, पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन यही है, यही आ गया, डिप्रेशन सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। मेंटल प्रॉब्लम आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से होता है पाकिस्तान के अंदर। एक्सट्रीम सस्पिशन ये पैरोनिया के अंदर होती है। ओके, फॉरगेटफुलनेस डिमेंशिया की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ या नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के अंदर अगर ऑटोसोमल रिसेसिव है दोनों पेरेंट्स, तो जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 25% होती है। अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट हो तो 50% तक आ जाती है। एनवायरमेंटल मैनिपुलेशन टू सूट द जीनोटाइप, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ यूथेनिक्स। नेक्स्ट है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्जेनिटल डिजीज, इसमें इम्यूनाइजेशन आ जाती है, प्रोटेक्शन आ जाती है।
नेक्स्ट है रीसेंट एडवांसेस इन द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब डायग्नोस्टिक टूल पूछ रहे हैं, डायग्नोस्टिक टूल में PCR रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस और सिंथेसिस ऑफ DNA सब कुछ आ जाता है। मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक्स इज द जीन काउंसलिंग। मोस्ट appropriate screening test for prenatal diagnosis of neural tube defect, तो इसमें maternal serum alpha fetoprotein और gonadotropin के level को check किया जाता है। mongolism या down syndrome maternal age से बढ़ता रहता है। the study of precise genetic composition of population and various factor determining the incidence of inherited disease, तो population के अंदर genetics को study करना, this is the definition of population genetics। नेक्स्ट थैलेसीमिया, थैलेसीमिया के बारे में सारी बातें ठीक है, 6 मंथ के बाद होता है, प्रीनेटल डायग्नोसिस कर सकते हैं, मैटरनल एज रिस्क फैक्टर नहीं होता, वो उसके लिए होता है, डाउन के लिए होता है। ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए हमने पढ़ लिया कि 50% तक होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल सर्विस डेट जेनेटिक्स कैन रेंडर इन मेडिसिन, तो सबसे ज़्यादा पहले पढ़ चुके हैं, जेनेटिक काउंसलिंग होती है, ओके। और अगर आप जीन थेरेपी करते हैं, ये भी आ जाती है एग्जाम्पल के तौर पर। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला चैप्टर है, मैंने कोई मिस तो नहीं कर दिया चैप्टर, एक मिनट दी मैं यहाँ से देख लेते हैं। अच्छा जेनेटिक्स, चलो स्टार्ट करते हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल गैस्ट्रोएंटेराइटिस के केस में डायरिया होता है। इन डिजाइनिंग अ प्रॉपर क्वेश्चन ईयर के अंदर रेफरेंसेस नहीं आते। हेल्थ सर्वे के बारे में क्या बात ठीक है, क्रॉस सेक्शनल होते हैं, कम्युनिटी डायग्नोसिस वैल्यूएशन प्लानिंग के लिए की जाते हैं। प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ रिसर्च स्टडी, इंट्रोडक्शन इससे पहले एब्स्ट्रैक्ट लिखा जाता है, मेथोडोलॉजी रिजल्ट डिस्कशन होती है। चूज द बेस्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द रिसर्च इन द हेल्थ सेक्टर, तो जो कोहोर्ट है इज अ टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशनल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव स्टडी के अंदर पढ़ाया हमने। इंपेरिकल रिसर्च होती है, उसमें क्वांटिफिकेशन आती है, क्वांटिफिकेशन मेजरमेंट से भी होती है, एस्टिमेशन से भी होती है, स्टैटिकल टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस से भी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिसर्च इज करेक्ट, रिसर्च के बारे में क्या बात ठीक है, जो बेसिक रिसर्च है उसमें हम न्यू नॉलेज को सर्च करते हैं, अप्लाइड के अंदर प्रॉब्लम को ठीक करते हैं, और जो हेल्थ रिसर्च है वो 3 कैटेगरी में जाती है, बायोमेडिकल हेल्थ रिसर्च एंड द बिहेवियरल रिसर्च होती है। जो प्रपोजल होता है उसको साइनोप्सिस बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, द चांस ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट टू अकर बाय एन एवरेज, अगर 0.5 है इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कितने की है, प्रोबेबिलिटी 0.5 का मतलब 50% की है, ओके। इसके बाद अगर जो टी टेस्ट है, टी वैल्यू है टैबुलेटेड वैल्यू से रिलेटिवली ज़्यादा है, इसका मतलब ये आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रिसर्चर इज वांटेड टू फाइंड द एसोसिएशन है, काइस के अंदर इसमें वैल्यू 0.02 आई है, और 0.05 से अगर नीचे आती है तो वो सिग्निफिकेंट होता है, नल हाइपोथेसिस को आपने रिजेक्ट कर देना है। एट द एंड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट के आखिर में हम कीवर्ड्स ऐड करते हैं फॉर इंडेक्सिंग एंड क्रॉस इंडेक्सिंग है, एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मालूम करना, दिस इज द फंक्शन ऑफ रिग्रेशन टेस्ट होता है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, एसोसिएशन बिटवीन पानपीरा एंड द ओरल कैंसर, इसके दरमियान एसोसिएशन के लिए आपने केस कंट्रोल स्टडी या कोहोर्ट आपने दोनों मालूम करनी होती है, यहाँ पे केस कंट्रोल लिखा हुआ है। अब ये पता लगाना कि जो न्यू वैक्सीन है इट इज़ मोर इफेक्टिव देन द वैक्सीन यूज्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ इन्फ्लुएंजा, तो आपने इंटरवेंशन करनी है, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ RCT। अगर पेशेंट और पार्टिसिपेंट दोनों को नहीं पता इंटरवेंशन के बारे में या ड्रग के बारे में, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ डबल ब्लाइंड स्टडी। SPSS स्टैंड फॉर स्टैटिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 होता है। अनपेयर्ड सैंपल टी टेस्ट में N1+N2-2 ये वैल्यू आपने रट्टा मारनी है। काइस के टेस्ट में 2x2 टेबल है, तो 2-1 तो आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर, चैप्टर नंबर पीछे आ जाती है, ओके, एक्सीडेंट एट द डिजास्टर है। एक्सीडेंट के बारे में क्या बात ठीक है, ग्लोबली जो एक्सीडेंट होते हैं ये HIV और AIDS से ज़्यादा हमला कर देती है। अनइंटेंशनल इंजरी, जो सुसाइड होती है इंटेंशनल होती है, जबकि ट्रैफिक इंजरी रिक्रिएशनल अनइंटेंशनल होती है। मिनिमम टाइम टू हैव इरिवर्सिबल ब्रेन इंजरी ड्यूरिंग इमर्शन, तो ये 4 से लेकर 6 मिनट तक होती है। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रॉपिकल डिजास्टर, ट्रॉपिकल डिजास्टर के अंदर फ्लड्स आते हैं, एवलेंचेस आती है, लैंडस्लाइड आ जाती है। और इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट प्रिवेंशन, प्रिवेंशन के अंदर क्या नहीं आती, फर्स्ट एड नहीं आती, फर्स्ट एड तो एक्सीडेंट की बात होती है। अनएक्सपेक्टेड अनप्लैंड अकरेंस विच में इन्वॉल्व इंजरी, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सीडेंट है। एक सफर के दौरान एक्सीडेंट हमेशा लास्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अर्थक्वेक होता है, ये टिलोरिक या टेक्टोनिक टाइप ऑफ डिजास्टर होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं द मेथड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ इंजरी ऑफ विक्टम ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिवेरिटी एंड द चांसेस ऑफ सर्वाइवल, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ TRIAGE। और जो अर्थक्वेक या जो सुनामी होता है, ये अर्थक्वेक की वजह से होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि एक एक्सीडेंट हो गया है,
और वो हॉस्पिटल के अंदर डेथ हो गई है ड्यू टू फैटल इंजरी, तो अगर आप सीट बेल्ट यूज़ करोगे तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट रिलेटिवली कम होगा। फ्लड्स के बारे में क्या बात गलत है, फ्लड्स में डेथ कम होती है लेकिन डैमेज ज़्यादा होता है। रैपिड क्लासिफिकेशन ऑफ इंजरी, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ट्राइएज। ट्राइएज किस लिए करते हैं, टू ट्रीट द विक्टिम विद बेटर प्रोग्नोसिस ऑन प्रायोरिटी है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट खास समय मोटरसाइकिलिस्ट में आए तो हेलमेट पहनोगे और ट्रैफिक लॉ को इन्फोर्स करोगे। सीट बेल्ट नहीं लगानी, मोटरसाइकिल में नहीं होती सीट बेल्ट। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट है हमारा चैप्टर ओके हेल्थ एजुकेशन है, वन ऑफ द की प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन। तो हेल्थ एजुकेशन के बहुत सारे हैं, इसका म्यूमोनिक है CIMP, सेम KGF FL2, सी से कॉम्प्रीहेंशन, इंटरेस्ट, मोटिवेशन, पार्टिसिपेशन, नॉलेज, गुड ह्यूमन रिलेशनशिप, फीडबैक ओके, लर्निंग बाय डूइंग आ जाती है, रीइंफोर्समेंट आ जाती है। वन ऑफ द मेथड ऑफ मेंटेनिंग बिहेवियर चेंज तो वो होती है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती है। स्टेजेस ऑफ हेल्थ एजुकेशन, पहले सेंसिटाइजेशन, पब्लिसिटी, एजुकेशन, एटीट्यूड चेंज, मोटिवेशन और कम्युनिटी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। मोस्ट इफेक्टिव मैस मीडियम फॉर इम्पार्टिंग हेल्थ एजुकेशन, तो जो मैस मीडियम होता है वो टेलीविजन होता है, टीवी होता है। मैस मीडिया के बारे में क्या बात ठीक है, रेडियो वाले डायरेक्टिक मेथड होते हैं, वन वे कम्युनिकेशन होती है। द पावर डैट डिराइव्स अ पर्सन फ्रॉम एक्शन, तो वो मोटिवेशन होती है ओके। जो हेल्थ एजुकेशन होता है इट मेक्स द पीपल टू थिंक फॉर देमसेल्फ। द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ स्टेजिंग, तो पहले अब इसका मिमोने का AMA अवेयरनेस मोटिवेशन एक्शन होती है। चार्स लेके 8% जो क्वालिफाइड होते हैं बैठते हैं डिस्कस करते हैं टॉपिक को इन फ्रंट ऑफ लार्ज ऑडियंस, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पैनल डिस्कशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप डिस्कशन के बारे में, ग्रुप डिस्कशन से आप फ्रीली आइडियाज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं, नॉलेज को शेयर कर सकते हैं। लिमिटेशन के अंदर क्या चीज़ है, लिमिटेशन 3 या 4 टाइप की होती है, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल एंड द एनवायरमेंटल बैरियर्स होते हैं टू द कम्युनिकेशन है। साइलेंस इज अ टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। अगर बताना है ORS की इंपॉर्टेंस तो ग्रुप डिस्कशन है, अगर करके दिखाना है तो वो डिमॉन्स्ट्रेशन होती है। द नीड्स पीपल फील अबाउट देमसेल्फ, अपने बारे में सोचना जिसको सेल्फिशनेस भी कह सकते हैं, फेल्ट नीड होती है। रिपोर्ट क्या होता है, गेटिंग सिंपथेटिक और फ्रेंडली रिलेशनशिप विद द पीपल। फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, ऑडियंस इज सेंटर की तरफ जाना, दिस इज अ फीडबैक होता है। छोटे ग्रुप में तकसीम करना, काम करना, एनालाइज करना प्रॉब्लम को, ये वर्कशॉप में होता है। चैनल ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पे मिसिंग है शेनॉन वीवर मॉडल के अंदर। सेल्फ अवेयरनेस रिगार्डिंग द एडवर्स इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग है, दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ या क्लासिफिकेशन ऑफ गोल ओके। प्रोवाइडिंग हेल्थ सर्विस एट द डोर स्टेप, लोगों के डोर स्टेप पे हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करना ताकि वो अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सके, दिस इज़ अ डेफिनेशन ऑफ सर्विस अप्रोच। बाकी ये 4 अप्रोच होती है, रेगुलेटरी सर्विस, हेल्थ एजुकेशन और प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच। जो आइटा होता है स्टैंड फॉर अ मॉडल डिस्क्राइबिंग बिहेवियर चेंज होता है। सिखाना तो ये डिमॉन्स्ट्रेशन आपने करके दिखानी है। अ ग्रुप ऑफ 15 मैरिड वुमेन, तो 15 लोगों का ग्रुप है तो ये ग्रुप डिस्कशन होती है, वैसे 6 से लेकर 12 तक होती है। इसके बाद ये डेफिनेशन वर्कशॉप की लिखी हुई है जिसमें क्या करते हैं, पार्टिसिपेंट ग्रुप बनाते हैं, डिस्कस करते हैं एट द एंड ऑफ द डे ओके। इसके बाद केयरफुली प्रिपेयर्ड प्रेजेंटेशन जिसमें किसी स्किल को सिखाना, दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन आती है। फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर इम्पेयर्ड हियरिंग है, जबकि लो इंटेलिजेंस किस में आती है, साइकोलॉजिकल में आ सकती है। नॉट अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज ऑफ हेल्थ एजुकेटर, तो ये कल्चरल बैरियर्स हमारी आ जाती है। कम्युनिकेशन स्किल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, आई कॉन्टैक्ट है, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज होती है। इसके बाद नेक्स्ट है इलिटरेसी इज अ कल्चरल टाइप ऑफ बैरियर है। नेक्स्ट है कि आर डॉक्टर वांट टू स्टार्ट अ हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहले कैंपेन को स्टार्ट करने से पहले लेनी चाहिए वो नॉलेज ऑफ नीड है। ग्रुप डिस्कशन 6 से लेकर 12 लोगों की होती है, इतना ग्रुप बनता होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं पीछे की तरफ, स्नेक बाइट, अच्छा स्नेक बाइट की तरफ आते हैं। चूज द बेस्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द पॉलीवेलेंट एंटी वीनम जो सीरम होता है, पॉलीवेलेंट एंटी स्नेक वीनम सीरम, तो ये पैसिव इम्यूनाइजेशन के अंदर आ जाता है। इसके बाद है कि मल्टीपल स्मॉल पंक्चर लिगन है लेकिन स्नेक बाइट की हिस्ट्री नहीं है, तो रीअश्योरेंस करनी है। पाकिस्तान के अंदर जून से लेकर अगस्त में स्नेक बाइट कॉमन होता है ओके। एट रिस्क एक्टिविटी, एट रिस्क एक्टिविटी कौन सी नहीं होती, वेयरिंग रबर बूट्स, इससे ये सांप काटने का डर नहीं होता। टू आइडेंटिफाई पॉइजनस स्नेक, तो आपने पोर्ट साइन को देखना होता है। स्नेक बाइट की कॉम्प्लिकेशन क्या नहीं होती, मेंटल डिक्लाइन नहीं होता। डोसेज ऑफ पॉलीवेलेंट, तो ये सारी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, चूज द बेस्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द पॉइजन ऑफ स्नेक, तो जो न्यूरोटॉक्सिन होता है इसका लेस लोकल रिएक्शन होता है। इसके बाद ओजिंग ऑफ ब्लड है, स्वेलिंग है, एपकाइमोसिस है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ वैस्कुलोटॉक्सिक स्नेक, वाइपर होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि 5 मिनट के अंदर लाया गया है, कोई स्वेलिंग नहीं है, तो आपने देखना है, रीअश्योर नहीं करना।
पॉलीवेलेंट एंटीवेनम सीरम को यूज़ करना है, क्योंकि बहुत सारे सांप काट सकते हैं या उसको पता नहीं होता कौन से सांप ने काटा हुआ है। इसके बाद ये न्यूरोटॉक्सिक स्नेक की चीज़ें लिखी हुई है जिसमें कोबरा ग्रेट आ जाता है। ओके, क्या चीज़ आपने नहीं करनी है स्नेक बाइट की मैनेजमेंट में, तो राइट वाला निमोनिक या टॉनिक वेंट नहीं बांधना होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, तो ये न्यूरोटॉक्सिक स्नेक होता है, कोबरा होता है। टू पंक्चर मार्क्स है, स्वेलिंग है, डिस्कलरेशन ऑफ स्किन है, ब्लीडिंग हो रही है, दिस इज ड्यू टू वास्कुलोटॉक्सिक या वाइपर स्नेक। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर सोशल साइंसेज एंड मेडिकल एथिक्स है। लर्नड बिहेवियर, जो आपने सीखा हुआ है, विच इज़ सोशली एक्वायर्ड, दिस इज़ द कल्चर। इसके बाद एक कस्टम की भी डेफिनेशन आती है, जो सोशली एक्वायर्ड है उसको बोलते हैं हम कल्चर बोलते हैं। द होल प्रोसेस ऑफ हेल्थ प्रोग्राम एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग है, सोशल मार्केटिंग होती है। इसके बाद है सोशल इवल कौन सा नहीं है, एकल्चुरेशन ये नहीं होता, आपने बताना है कि एकल्चुरेशन होता क्या है। बिहेवियर साइंस में सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी हो जाती है। फिजिकल, सोशल एंड द कल्चरल हिस्ट्री की स्टडी को एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। डिफ्यूजन टेक प्लेस बाय ऑल ऑफ दिस मेथड। बिहेवियर ऑफ गैंग ऑफ एडोलिसेंस, जो किसी चोरी करने में ड्रग्स में इन्वॉल्व है, दिस इज अ सोशल डिलिंक्वेंसी। अगर कोई बच्चा क्राइम करे, दिस इज जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी। नेक्स्ट है देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल मोबिलिटी, अगर बंदा एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, ये नकल मकानी होती है, जियोग्राफिकल मोबिलिटी होती है। टोटल इनकम जनरेटेड फ्रॉम विद इन द कंट्री प्लस इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ GNP। GDP सिर्फ अपना जो कंट्री बनाता होता है। पॉवर्टी लाइन जो होती है ये 2350 एक्सपेंडिचर डेली फॉर द डेली कैलोरिक, ठीक हो गया। तो ये 2350 इसको आपने रट्टा मारना है। वैन द कॉन्टैक्ट बिटवीन टू पर्सन ऑफ डिफरेंट कल्चर लाइक पाकिस्तान और अंग्रेज है, तो डिफ्यूजन ऑफ कल्चर होता है, दिस इज कॉल्ड एकल्चुरेशन। एकल्चुरेशन कल्चर का ऑपोजिट होता है, डिफ्यूजन ऑफ कल्चर है, कल्चर आपका डिफ्यूज कर रहा है। द टाइप ऑफ लर्निंग डेट इम्प्रूव नॉलेज अबाउट समथिंग, दिस इज द कॉग्निटिव टाइप ऑफ लर्निंग। इमोशंस के अंदर मोटिवेशन नहीं आता। ऐसी फैमिली जिसके अंदर दादा, बेटा और पोता भी रह रहेगा, दिस इज थर्ड जनरेशन फैमिली। ऑपरेशनल रिसर्च क्या होती है, फाइंडिंग आउट द ऑप्टिमम साइज ऑफ एरिया और पॉपुलेशन, जो कि रेडी हेल्थ वर्कर ने कवर करना है। स्टडी ऑफ फिजिकल, सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिविजुअल या मैन इज द एंथ्रोपोलॉजी, मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी। मेडिकल एथिक्स में अपनी पर्सनल आइडेंटिटी हाइड नहीं करनी होती। प्रोहिबिशन, जो कि सोशल कस्टम इम्पोस्ट करता है कि आपने ये काम नहीं करना, दिस इज़ अ टैबू। एवरी सोसाइटी हैज़ बिलीफ, कस्टम, ट्रेडिशन, प्रिजुडिस होते हैं, पर्सन को एक्वायर करता है ड्यूरिंग द सोशल इंट्रैक्शन, दिस इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। अ सेगमेंट ऑफ सोसाइटी हुज मेंबर इंजॉय कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड शेयर कॉमन कल्चर, ओके, यानी कॉमन स्टैंडर्ड, कॉमन कल्चर, कॉमन एटीट्यूड, रिलीजन, दिस इज द क्लास। अ परमानेंट रिजिड और फिक्स्ड ग्रुप है, जिसमें आप देखती हो किसकी नस्ल क्या है ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, तो ये कास्ट होती है। प्लानर अप्लाइड द साइंटिफिक मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है टू स्टडी द कॉम्प्लेक्स ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्विसेज, दिस इज द प्लानिंग और सॉरी ऑपरेशनल रिसर्च होती है। ओके, इसके बाद है कि ये पता लगाना कि लेवल ऑफ लिविंग को देखने के लिए तो क्या यूज़ करेगा, पर कैपिटा इनकम को देखा जाएगा। अ पर्सन इज वेरी प्रिजुडिस अबाउट हिज रिलीजियस बिलीफ, ओके, तो ये क्या है, जो प्रिजुडिस होता है, थोड़ा ब्लर हो गया है, मुझे भी नज़र नहीं आ रहा, तो 24 का क्या होगा, डेल्टा सेलेक्ट किया हुआ है। नैरो माइंडनेस कहती है, अवॉइडेंस ऑफ डूइंग हार्म, तो डूइंग हार्म को अवॉइड करना, दिस इज द नॉन मैलिफिसेंस है। एक वैक्सीनेटर होता है कि ये सीखता है कि कैसे इंजेक्शन लगाना, दिस इज द साइकोमोटर टाइप ऑफ लर्निंग होती है। अ 14 ईयर ओल्ड बॉय वाज कॉट रेड हैंडेड, तो ये जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी होती है। सोशल ग्रुप, अ सोशल एक्ट विच इज कंसिडर्ड नेचुरल एंड द राइट, दिस इज द कस्टम। ओके, बाकी टैबू भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। द सिक्योरिटी एट सोसाइटी प्रोवाइड्स, दिस इज द सोशल सिक्योरिटी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पीछे की तरफ, सोशल साइंसेस भी हो गया, मेडिकल एथिक्स भी हो गया, अब जेरियाट्रिक स्टडी ऑफ एजिंग है। चूज द बेस्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द ओल्ड पीपल होते हैं, तो ओल्ड पीपल आर मोर प्रोन टू द एक्सीडेंट होते हैं। सीनियर सिटीजन यूली सफर फ्रॉम, सीनियर सिटीजन इन चारों डिजीज से सफर करते हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द सीनियर सिटीजन, तो जो ओल्ड एज होती है उसको आपने नॉर्मल रखना है, इनहेबिटल बायोलॉजिकल बिहेवियर होता है। ओल्ड पर्सन सीक्स इम्यूनाइजेशन, तो कौन सी इम्यूनाइजेशन देनी है, टिप है, टेटनस, इन्फ्लुएंजा, निमोकोकल। ओके, द परसेंटेज ऑफ पीपल अबाउट 65, तो ये 3 से लेकर 4 होते हैं, स्पेसिफिकली 4.45 भी कह सकते हो। रिगार्डिंग द सीनाइल डिमेंशिया, सीनाइल डिमेंशिया में फॉरगेटफुलनेस होती है। मेंटल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कौन से नहीं होती, रिलैक्सेशन ऑफ आउटलुक ये नहीं होता। एडिशनल प्रॉब्लम फेस्ड व्हेन ट्रीटेड ओल्ड पीपल, ये क्यों होता है, ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ मेडिकेशन, इसकी वजह से नहीं होता। कॉमन ओल्ड पीपल प्रॉब्लम, तो वो विजुअल इंपेयरमेंट होती है।
कौन सी बात गलत है, जो प्रोटीन इनटेक होती है वो रिलेटिवली कम होती है यंग पीपल से, चूज द बेस्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द ओल्ड पीपल, जो ओल्ड पीपल होते हैं 25 से लेकर 30% को कंज्यूम करते हैं, एक्सीडेंट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं इनके अंदर। इसके बाद नेक्स्ट है स्कूल हेल्थ सर्विस। ओके, द रूटीन मेडिकल चेकअप होता है 4 times a year। ओके, ये आपने रट्टा मारना 4 times a year। विच वट टाइप ऑफ डेस्क का रिकमेंडेड, माइनस डेस्क को आपने प्रेफर करना होता है। स्कूल हेल्थ सर्विस ये 5000 स्कूल चिल्ड्रन को कवर करती है। इसके बाद आगे चलते हैं, वर्टिकल लाइन अगर एच को टच करेगी, दिस इज द जीरो डेस्क होता है। मिनिमम रिकमेंडेड फ्लोर स्पेस तो ये 15 होती है। माइनस डेस्क में जो होता है लाइन होती है वर्टिकल लाइन फ्रॉम द एच ऑफ द डेस्क, ये सीट के ऊपर फायर करती है। 80 डेसिबल का है तो ये हायर है, 40 तक आना चाहिए। ओके, स्कूल टीचर का क्या काम नहीं है, कंडक्ट अ पीरियोडिक रूटीन एग्जामिनेशन, ये किसका होता है, ये उसका होता है, मेडिकल ऑफिसर का होता है। गोल ऑफ WHO, WHO ये कहता है कि स्कूल के नंबर को बढ़ाओ, जिनको आप हेल्थ प्रमोटिंग स्कूल कह सकते हैं। 50 स्टूडेंट के लिए एक टॉयलेट होना चाहिए। इसके बाद है हमारा प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स एंड IMNCI, 4 main killer ऑफ इन्फेंट और चिल्ड्रन है। अगर इनको हम हटा दें तो 50 से लेकर 60% मोर्टैलिटी को कम कर सकते हैं हम। इसके बाद मेन कंपोनेंट ऑफ IMNCI, तो इसमें केस मैनेजमेंट, हेल्थ सिस्टम और फैमिली और कम्युनिटी प्रैक्टिस को हम इम्प्रूव करते होते हैं। APGR स्कोर ठीक है, 4 to 7 स्कोर इंडिकेट करता है कि माइल्ड डिप्रेशन है, 4 से लेकर 7 वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग WHO ग्रोथ चार्ट इज नॉट करेक्ट, तो जो लाइन रिप्रेजेंटिंग द वेट उसको अपवर्ड मूव करना चाहिए, हॉरिजॉन्टल या डाउनवर्ड मूव नहीं करना चाहिए। जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी का मतलब है बच्चे ने क्राइम किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड इज फाउंड लो हाइट फॉर एज, तो ये इन्फेक्शन और माल न्यूट्रिशन की वजह से हो सकता है। कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन के लिए कौन सा रिस्क फैक्टर नहीं है, मैटरनल एज खास रूप से कम वाली 15 से लेकर 18 वाली। टेटनस न्यूमेटोरम को प्रिवेंट करने के लिए टेटनस वैक्सीनेशन देनी है, टेटनस टॉक्साइड देनी है। चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक साइकोथेरेपी प्रोवाइड करते होते हैं। इसके बाद कॉन्जेनिटल इन्फेक्शन टॉक्सोप्लाज्मोसिस की वजह से आ सकता है। यूनिसेफ में अंडर 5 मोर्टेलिटी को यूज़ किया जाता है फॉर सोशल वेलबींग, सोशल डेवलपमेंट और वेलबींग। टू डिटेक्ट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, इसके लिए अल्फा फीटो प्रोटीन का लेवल चेक किया जाता है कि इसके अंदर मैटरनल ब्लड और एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर। अम्ब्लाइकल रेडनेस है, इट इंडिकेट CS इन्फेक्शन। इसके बाद OPV आपने जीरो नहीं देनी अगर नहीं लगाई हुई, बल्कि OPV 1 देनी है 6 वीक के ऊपर। कीपिंग द बेबी क्रीप बाय द साइड ऑफ द मदर, तो उसको रूमिंग इन कहते हैं, माँ को सेटिस्फेक्शन होती है। इसके अलावा बॉन्डिंग क्रिएट होती है माँ और बच्चे के दरमियान। इसके बाद है कि वेट नॉर्मल है, तो आपने कहना है कि आप मुझे टेंशन ना लो। चाइल्ड वाज फाउंड लेथार्जिक है, माँ ने कहा कि वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रहा, तो ये आपने रेफर करना है टू द इमरजेंसी केयर डिपार्टमेंट है। इसके बाद है कि चाइल्ड की ब्रीदिंग 60 ब्रेथ पर मिनट है, 1 महीने का है, जस्ट इंट्राइंग है, तो आपने क्या देना है, इंट्रामस्कुलर एम्पीसिलिन जेंटामाइसिन देनी है, गर्म करना है और रेफर करना है हॉस्पिटल की तरफ। ओके, इसके बाद है कि जो चाइल्ड है वो ORS नहीं पी पा रहा, तो उसका मतलब डिहाइड्रेशन है, सीवियर डिहाइड्रेशन है। इरिटेटिंग कफ है, कफ बढ़ जाती है ऑन इंस्पिरेशन, दिस इज ड्यू टू पर्ट्यूसिस वूपिंग कफ। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ओके, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ एंड द फैमिली प्लानिंग है। टू अचीव द रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, तो रिप्लेसमेंट लेवल को अचीव करने के लिए NRR 1 होना चाहिए, इससे नजी हो तो रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस कम है। जो एस्ट्रोजन कंपोनेंट है सब चीज़ें करवाता है सिवाय ओवेरियन कैंसर के। वेट गेन प्रेगनेंसी में 10 से लेकर 13 kg तक होता है। फॉर द प्रिवेंशन ऑफ लो बर्थ वेट बेबी, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन कौन सी करनी चाहिए, वेरियस इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है। एडिशनल एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर लैक्टेटिंग मदर, तो ये 600 kcal या 550 तक कह सकते हैं। नंबर ऑफ डॉटर अ न्यू बॉर्न विल बेयर, ये दिस इज द नेट रिप्रोडक्शन रेट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम अज्यूमिंग द एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट एंड द मैटरनल मोर्टैलिटी रेट होता है। ओके, एफिकेसी ऑफ MCH को चेक करने के लिए इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट को आपने यूज़ करना है। इसके बाद है सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी एंड पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, दिस आर द कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। OCP के लिए क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में यूज़ कर सकते हैं। इफेक्टिवनेस ऑफ OCP इज रिड्यूस्ड बाई, ये होती है रिफ MPC से कम हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ अमंग चिल्ड्रन इन डेवलपिंग कंट्री, तो वह डायरिया होता है। इसके बाद है प्रेगनेंसी के अंदर टोटल इंक्रीज ऑफ कैलोरीज पर डे, तो ये कितनी होती है, 350 kcal पर डे होती है। मैटरनल डेप्रिवेशन सिंड्रोम ये जब होता है, जब माँ मर जाती है बच्चे की ग्रोथ अफेक्टेड होती है। एलिजिबल कपल जिसमें फीमेल क्या होती है, रिप्रोडक्टिव इसके अंदर होती है, क्लियर। टारगेट में 2 से लेकर 3 बच्चे होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है अ मदर ब्राउट हर 1-year-old चाइल्ड टू द BHU, तो उसको न्यूट्रिशनल स्टेटस को चेक करने के लिए सबसे अच्छा क्या होता है, वेट फॉर एज होता है सबसे गुड वाला।
इसके बाद है कि एक माह या इन द मिडल ऑफ 9th मंथ टाइटनस की वैक्सीन ही लगी हुई, तो एक लगा देनी है डोज और फिर 2 हफ्ते डिलीवरी के बाद फिर दोबारा आना है। ओके, एक मैरिड वुमेन है, फैमिली प्लानिंग डिजायर कर रही है लेकिन हस्बैंड अलाउ नहीं कर रहा, दिस इज द अनमेट नीड ऑफ फैमिली प्लानिंग है। ओके, इसके बाद है कि डिलीवरी को 14 दिन रह गया, तो आपने एक डोज लगा देनी है टेटनस टॉक्सॉइड की और एक सेप्टिक मेजर करनी है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, और 2 हफ्ते के बाद सेकेंड डोज लगवा देनी है टी टी की। इसके बाद है कि OCP को यूज़ कर रही है, तो OCP की वजह से क्या हो सकता है, स्मोकिंग की वजह से कोरोनरी हार्ट डिजीज हो सकता है। एक मदर का स्पूटम है, उसमें एसिड फास्ट बेसिलाई की पॉजिटिविटी आ गई है, ब्रेस्ट फीडिंग करना चाह रही है, तो आपने क्या करना है कि मदर में पहले एंटी ट्यूबरक्लोटिक थेरेपी आनी चाहिए, स्पूटम का टेस्ट होना चाहिए, मदर के अंदर एंटी टीबी ड्रग, बेबी की आइसोनियाजाइड प्रोफाइलैक्सिस और फिर ब्रेस्ट फीडिंग करनी है। हेपेटाइटिस बी से पॉजिटिव आई है, तो आपने क्या करना है, दोनों बेबी को एक्टिव और पैसिव देनी है और मदर शुड ब्रेस्ट फेड हर बेबी। ओके, इसके बाद है कि प्रेग्नेंट मदर इज सफरिंग फ्रॉम पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, तो कौन सी ड्रग नहीं देनी, स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं देनी होती, हेपेटाइटिस सी की कोई वैक्सीन नहीं होती, तो आपने क्रैक्स और इंजरी के बाद आपने ब्रेस्ट फीडिंग को अलाउ करवाना है। ओके, बिहेवियर प्रॉब्लम और साइकोथेरेपी है, इसके लिए चाइल्ड गाइडेंस सेंटर में जाना है, चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक में जाना है। नली पैरस वुमेन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को लेना चाह रही है, तो कौन सा नहीं देना, आपने इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस नहीं देनी। ओके, पुरपुरियल सेप्सिस, ये पोस्टनेटल पीरियड के अंदर होता है, BMI 15 है, तो आपने कहना है कि आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, न्यूट्रिशनल स्टेटस पुअर है, पहले इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करो। ओके, इसके बाद है कि न्यूट्रिशनिस्ट है, एक सर्वे प्लान करना चाह रहा है टू फाइंड द प्रीवैलेंस, तो प्रीवैलेंस को देखने के लिए, बहुत जल्दी से देखने के लिए मिड अपर आर्म सर्कम्फ्रेंस को देखा जा सकता है। कोलेस्ट्रॉल के अंदर IgA होती है, रोड टू हेल्थ चार्ट रिकमेंडेड बाय WHO, तो ये जो रेफरेंस कर्व होती है आर बेस्ड ऑन जी स्कोर और परसेंटाइल होती है। द मोस्ट कॉमन कंप्लेंट ऑफ वुमेन यूजिंग इंट्रासेप्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस इज द ब्लीडिंग, टोबैको स्मोकिंग की वजह से क्या हो सकता है, लो बर्थ वेट बेबी पैदा हो सकती है। ओके, इसके बाद हम आगे आ जाते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन भी हो गया, ये चैप्टर भी हो गया। ओके, ऑक्यूपेशनल हेल्थ वाला चैप्टर है, निमोकोनियोसिस। निमोकोनियोसिस इज एन इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजर्ड होता है, तो उसके बारे में क्या बात ठीक है, तो जो क्रॉनिक एक्सपोजर होता है इसमें आपको ये देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग है, ऑयल रिफाइनिंग है, तो कौन सा केमिकल रिलीज होता है इंडस्ट्री के अंदर, अमोनिया काफ़ी ज़्यादा होता है। एर्गोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एफिशिएंसी ऑफ वर्कर इन रिलेशन टू देयर वर्किंग एनवायरनमेंट, इस एफिशिएंसी को एर्गोनॉमिक्स कहते हैं, द फिटिंग ऑफ द जॉब टू द वर्कर इज कॉल्ड एर्गोनॉमिक्स। तो जो एस्बेस्टोस होता है मेसोथेलियोमा करवा देता है, नॉइस लेवल 40 से लेकर 60 है, तो ये एक्सेप्टेबल होता है। बेसिनोसिस होती है, ये कॉटन वीवर्स में काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती है। लेड को चेक करने के लिए कोप्रोपोरफायरिन का लेवल चेक किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिलिकोसिस इज ट्रू, इसके कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं होती, स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस सिलिकोसिस के अंदर होती है, ऑक्यूपेशनल कैंसर के बारे में क्या बात ठीक है, ये कैंसर डेवलप हो सकता है इवन आफ्टर सीजेशन ऑफ एक्सपोजर, नॉन अकॉस्टिक रेडिएशन एक ऑक्यूपेशनल हैजर्ड होती है, इसके बारे में क्या बात ठीक नहीं है, तो ये ब्लड भी ये नहीं हो सकती वाइब्रेशन की वजह से। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑक्यूपेशनल डिजीज, टाइफाइड नहीं होता, 40 से लेकर 60 ये आपकी क्या होती है, एक्सेप्टेबल लेवल होती है। इसके बाद जो क्यूटेनियस एंथरेक्स होता है, ऑक्यूपेशनल डिजीज होता है, द इंडस्ट्री और ऑक्यूपेशन जिसमें कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, तो वो रेडियोथेरेपी होती है। 48 आवर्स तक आपने काम करना है, चांस ऑफ एक्सीडेंट इन इंडस्ट्रीज हायर एट द एंड ऑफ वर्किंग शिफ्ट, इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि थक जाते हैं। ब्रूसिलोसिस किस में होती है, एनिमल इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनवायरमेंटली फ्रेंडली इंडस्ट्री, तो वो फॉरेस्ट्री है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैयर कैन बी लेबल एज अ स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, तो आपने मास्क पहनना है। प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू द शुगर केन डस्ट, इसकी वजह से बैगासोसिस हो सकता है। द यूएल ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर टू द कोल्ड डस्ट, तो ये 12 साल चाहिए एंथ्राकोसिस करवाने के लिए। माइनर निस्टैग्मस पुअर इल्यूमिनेशन एट द वर्क प्लेस की वजह से होता है। ओके, बार बार शॉप की वजह से कौन सा डिजीज हो सकता है, हेपेटाइटिस बी, अगर उसने ब्लेड्स को सही तरह स्टीरलाइज नहीं किया हुआ या गंदे ब्लेड यूज कर रहा है। ओके, इसके बाद क्रीचिस है, क्रीचिस इज इट इज़ फॉर केयर ऑफ इन्फेंट और टॉडलर, क्रीचिस देते हैं। ओके, अमोनिया गैस की वजह से क्या हो सकता है, अमोनिया गैस की वजह से आपको क्या देखने को मिल सकता है, आइस, यानी जो अमोनिया होता है आइस फैक्ट्री में काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है, बर्फ़ खाने में काफ़ी ज़्यादा होता है। इन द प्रिंटिंग प्रेस है, द एवरेज नॉइस वास 100 है, तो ये काफ़ी ज़्यादा होता है। ईयर प्लग्स आपको यूज़ करने चाहिए। कोल माइनर है, नाइन माइनर डिस्टेगमस की वजह से होता है, पुअर इल्यूमिनेशन की वजह से होती है, लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन का फायदे क्या है। ओके, इसमें जो हार्ट होता है वो हुड होता है, विच इज़ प्लेस्ड एज नियर एज पॉसिबल टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ द डस्ट। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ, तो ये डिजायरेबल होता है कि डिज़ाइन करना मशीन को, तो इसको बोलते हैं एर्गोनॉमिक्स बोलते हैं, टू सूट द ह्यूमन एनाटॉमी।
इसके बाद सिलिकोसिस हो गया। सिलिकोसिस में रिगरस डस्ट कंट्रोल करना है प्रिवेंशन के लिए। कोल माइनर है, कोल माइनर में काम करने के लिए 15-14 साल का आया, तो उससे कहना कि आपकी उम्र 15 साल से कम है, आपको मैं नौकरी नहीं दे सकता। ओके, अ प्रेग्नेंट वुमेन इज वर्किंग इन द गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, तो कितने 12 हफ्तों की लीव देनी चाहिए उसको। कॉटन टेक्सटाइल मिल के अंदर 500 क्यूबिक फीट है, तो ये मिनिमम रिकमेंडेड स्पेस होती है। प्री प्लेसमेंट एग्जामिनेशन एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट ऑफ जॉब तब करवाना चाहिए। इसके बाद है कि डिस्निया क्लबिंग ऑफ फिंगर ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस एस्बेस्टोसिस की वजह से होती है। बेस्ट प्रिवेंटिव मेजर क्या होता है, रिगोरस डस्ट कंट्रोल होता है। इसके बाद है मेडिकल एंटोमोलॉजी एंड द पैरासाइटोलॉजी। मॉस्किटो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग ऑफ सो मेनी डिजीज, तो एडीस अजप्टाई येलो फीवर कैरी करता है। इंसेक्टिसाइड लीस्ट टॉक्सिक टू द मैमल, तो अब पिरीथॉइड होती है। डीडीटी सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होता है। ओके, ऑर्गेनो फॉस्फोरस की पॉइजनिंग को चेक करने के लिए हम एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस का टेस्ट करवाते हैं ब्लड के अंदर। इसके बाद मीजली बीफ, ये होता है सिस्टिसर्कस बॉविस की वजह से। ट्रांसमिशन ऑफ आर्थ्रोपॉड बॉन डिजीज है, तो जो साइक्लो डेवलपमेंटल ट्रांसमिशन होती है इसमें कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म साइक्लिकल चेंज करता है लेकिन मल्टीप्लीकेशन नहीं करता। ओके, इसके बाद है मेटा डाइथाइल टोलोमाइट, ये क्या होती है, ये रिपेलेंट होती है। टोलोमाइट क्या है, रिपेलेंट होती है। टी से टोलोमाइट और आखिर में टी आ रहा, तो ये रिपेलेंट आती है। स्वेटिंग, स्लाइवेशन, अनकंट्रोल्ड यूरिनेशन, डेफिकेशन, तो ये एट्रोपिन सल्फेट होती है। ओके, लाउस इज द वेक्टर फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ, तो ये लाउस किसके लिए होता है, एपिडेमिक टाइफस के लिए होता है। एंडेमिक टाइफस फ्लू की वजह से होता है, बेंच है। इसके बाद है मॉस्किटो वाज कैप्चर्ड इन ब्रॉड फॉर आइडेंटिफिकेशन टू एंटोमोलॉजिस्ट है, तो जो मॉस्किटो वाज के वाइट स्ट्रैप है, तो ये क्या है, एडीस अजप्टाई है। रिलैप्सिंग फीवर के लिए सॉफ्ट टिक होता है, क्यू फीवर भी कैरी करती है। फॉर द कंट्रोल ऑफ मलेरिया एंड द डेंगू फीवर, तो जो बेड नेट को कंट्रोल करना है तो इसके लिए कौन सी इंसेक्टिसाइड यूज़ करनी चाहिए। ओके, बेड नेट को ठीक करने के लिए पिरीथॉइड यूज़ करनी चाहिए। इसके बाद है कि टॉक्सोप्लाज्मोसिस को अवॉइड करने के लिए कैट्स को अवॉइड करना है। ड्यूरेशन ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पैरासाइट विद इन द आर्थ्रोपोड, जिससे वो ट्रांसमिट हो जाए, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सट्रिंसिक इनक्यूबेशन पीरियड। ओके, क्यूलिक्स मॉस्किटो के बारे में क्या बात, ठीक है, ये कॉमन यूजर मॉस्किटो होता है। क्यूलिक्स मॉस्किटो जापानीज इंसेफेलाइटिस कैरी करता है। मोस्ट इफेक्टिव एंड लॉन्ग लास्टिंग मेथड फॉर कंट्रोल ऑफ हाउस फ्लाई, तो एलिमिनेशन ऑफ ब्रीडिंग प्लेस है। फिलेरियसिस होती है, एडीस मॉस्किटो से भी होती है, क्यूलिक्स से भी होती है, दोनों से होती है। राउंड वाम और हुक वाम ये कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम होती है, उसको प्रिवेंट करने के लिए प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा करना चाहिए। इसके बाद है बिहेवियर साइंसेज एंड द ड्रग एडिक्शन, तो जो फिजिकल ड्रग डिपेंडेंस क्या होती है, ड्रग डिपेंडेंस होती है कि जो कंडीशन है जिसमें पर्सन को विड्रॉल सिम्टम आना शुरू हो जाती है जब ड्रग विड्रॉ करते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट कार्सिनोजेनिक एजेंट ऑफ सिगरेट स्मोक, तो वह टार होता है। हीरोइन एडिक्शन के बारे में क्या बात, ठीक है, फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस हो जाती है। ओके, ड्रग एडिक्शन के बारे में क्या बात, ठीक है, तो ये विड्रॉल होती है, परमानेंट विड्रॉल होती है, ये सक्सेसफुल नहीं हो पाती। ओके, ठीक हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर फॉर मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टैलिटी, तो वह सिगरेट स्मोकिंग होती है। स्मोकिंग सिजेशन प्रोग्राम की सक्सेस को चेक करने के लिए डिजायर ऑफ स्मोकिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, डिजायर ऑफ स्मोकर टू क्विट, कि जो स्मोकर है वक्त कहेगा कि मैं खत्म करना चाह रहा हूँ। डेवलप कंट्री के अंदर पर कैपिटल कंजप्शन ऑफ टोबैको बढ़ रही है, ये बात गलत है, कम हो रही है। इसके बाद है सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग, तो ये डेफिनेशन ऑफ ड्रग अब्यूज की। स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास लॉस्ट इंटरेस्ट इन स्टडी, तो और इसको ट्रेमर और ड्राउजीनेस आ गई है, तो ये हीरोइन एडिक्शन की वजह से होती है। कॉमन काज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड, तो ये क्या होती है, स्मोकिंग होती है। ओके, पूरी दुनिया में ओवरऑल अगर हम बात करें, तो इसके बाद हम आप बात करते हैं टोबैको स्मोक में जो साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस होती है वो निकोटीन की वजह से होती है। टार की वजह से कैंसर होती है। अ पर्सन वाज टोबैको स्मोकर फॉर द लास्ट 20 ईयर है, अपनी हैबिट छुड़वाना चाह रहा है, डिप्रेशन हो गई है, कॉन्स्टिपेशन हो गई है, तो ये क्यों आई थी, ये फिजिकल डिपेंडेंस की वजह से आई थी। पीयर प्रेशर क्या होता है, इन्फ्लुएंस ऑफ कॉलीग्स होता है। एक्वैक ने एस्पिरिन प्रिस्क्राइब किया फॉर पेप्टिक अल्सर, तो ये ड्रग मिसयूज के एग्जांपल है। एक ड्रग एडिक्ट है, आफ्टर 12 आवर ऑफ हिज मिस्ड डोज उसको ये फॉलोइंग सिम्टम आया, तो ये फिजिकल डिपेंडेंस ऑफ हीरोइन की है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन फॉर स्टार्टिंग ड्रग एडिक्शन इज पीयर प्रेशर, तो ये क्या होता है, इन्फ्लुएंस ऑफ पीपल ऑफ कॉलीग, यानी कॉलीग के इन्फ्लुएंस की वजह से होता है। रिकमेंडेड इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज फॉर मिडिल एज पर्सन, जिसका हार्ट बिल्कुल ठीक है और एक्सरसाइज कर रहा है, तो 60-70% ऑफ द मैक्सिमम हार्ट रेट तक जाना चाहिए। डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी कंज्यूम, अल्कोहल को क्या कहते हैं, स्टिमुलेंट नहीं कह सकते इन, ओके, इन अल्कोहल हिप्नोटिक वाला ये कह सकते हैं। चूज द बेस्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द कंपोनेंट ऑफ बिहेवियर साइंस, तो बिहेवियर साइंस में एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी आ जाती है, पॉलिटिकल साइंस नहीं आती। फोबिया क्या होता है, एग्जैजरेटेड फियर होता है, इरेशनल फियर होता है। इसके बाद फिजिकल डिपेंडेंस निकोकीन की वजह से नहीं होती, ठीक है, ओके। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं, इस हैबिट ऑफ टबैको स्मोकिंग,
मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग। तो टोबैको स्मोकिंग की वजह से ट्वीन प्रेगनेंसी नहीं होती, प्रेगनेंसी खराब हो जाती है। स्लीपिंग पिल कंटेनिंग बारबिट्यूरेट्स की वजह से क्या हो सकती है, बारबिट्यूरेट की वजह से फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस दोनों हो सकती है। चलो हमने ये चैप्टर तैयार कर लिया है, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इम्यूनोलॉजी। ओके, इम्यूनोलॉजी की तरफ चलते हैं। यूजुअली मल्टीपल एक्सपोजर टू द सेम एंटीजन यानी सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है, इसकी वजह से ज़्यादा एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है। रिसेंट इन्फेक्शन के लिए IgM होता है, पुराने के लिए IgG होता है। कोल्ड चेन इक्विपमेंट जो कि आउटरीच साइट पर यूज़ किया जाता है, तो वो वैक्सीन कैरियर है। अच्छा, द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मीजल वैक्सीन इज ट्रू, तो ये लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है। EPI के बारे में क्या बात ठीक है, अ फ्यू वीक डिले आपको जो होता है डज नॉट इंटरफेयर विद फाइनल इम्यूनिटी। स्टोरेज टेम्परेचर फॉर पोलियो, तो ये 2 से लेकर 8 तक होता है, +10 तक चलो कर लो। स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टोरेज ऑफ वैक्सीन इज ट्रू, अगर इनर स्क्वेयर क्या हो रहा है डार्कर हो गया तो आपने वैक्सीन को यूज़ नहीं करना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हर्ड इम्यूनिटी इज ट्रू, तो जो हर्ड इम्यूनिटी होती है इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय सब क्लिनिकल केसेज ऑफ द डिजीज। ओके, इन्फ्लुएंस्ड होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पैसिव इम्यूनाइजेशन इज ट्रू, जो पैसिव इम्यूनाइजेशन होती है ये इमीडिएटली काम करती होती है। मोस्ट अप्रोप्रिएट किया है, जो पेंटावेलेंट वैक्सीनेशन है 3 मंथ के बाद भी कंटिन्यू कर सकते हैं आफ्टर द डोज। वन इंपॉर्टेंट कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ वोपिंग कफ, तो ये कन्वर्जन वाले पेशेंट पे नहीं देनी होती। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वैक्सीन कैन बी सेफली गिवन फॉर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, तो बस सार्क पोलियो वैक्सीन यूज़ कर सकते हैं। ओके, हर्ड इम्यूनिटी डज नॉट प्रोटेक्ट एन इंडिविजुअल अगेंस्ट टेटनस के खिलाफ काम नहीं करती। डोज ऑफ BCG तो 0.05 होती है न्यू नेट के लिए, यानी 1 महीने से नीचे वाले के लिए। और एक स्टूडेंट है कीनिया से आया, तो येलो फीवर का आना चाहिए। अ चाइल्ड इज ऑन रेडिएशन थेरेपी फॉर कैंसर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट पोलियो मेलाइटिस, तो आपने क्या करनी है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन यूज़ करनी है, जिसको आप SAC कहते हैं। ठीक हो गया, रेडियो थेरेपी के लिए इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन का क्या फ़ायदा नहीं है, रैपिड इम्यून रिस्पॉन्स ये नहीं आता। वन इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ मीजल वैक्सीन इज अ शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड है, शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड इसका कितना होता है 3 डे ऑफ एक्सपोजर होता है। ठीक हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द OPV जिसको सेबिन कहते हैं इनएक्टिवेटेड को SAC कहते हैं, सेबिन होती है ये ह्यूमरल और लोकल इम्यूनिटी दोनों को इंड्यूस करती है। पेंटावेलेंट वैक्सीन के बारे में क्या बात ठीक है, इंटरवल आपका 4 वीक्स का होता है। इसके बाद पर्टुसिस की कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है एपिलेप्सी वाले पेशेंट के अंदर, हिस्ट्री जिनमें होती है। इसके बाद है हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन देनी है, तो वो 0.05 ml/kg विद इन द 3 डे ऑफ एक्सपोजर देनी है फॉर आफ्टर 1 मंथ वगैरह। अब 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड वॉज ब्रॉट फॉर वैक्सीनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो पहली दफ़ा आया तो आपने BCG देनी है, 3 डोज ऑफ पोलियो देनी है, पेंटावेलेंट वैक्सीन देनी है विद 1 मंथ इंटरवल। इसके अलावा 2 डोज ऑफ मीजल वैक्सीन भी देनी है। करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द BCG, तो ये फ्रीज ड्राइड वैक्सीन है, इसके अलावा पोलियो मीजल्स ये भी होती है। वट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन द मदर मिल्क, तो IgA होती है। नेक्स्ट है OPV के बारे में बात किया ठीक है, जो वैक्सीन है ये वायरस को एक्सक्रीट करती है और दूसरों को अफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से हर्ड इम्यूनिटी आ जाती है। ओके, तो BCG को चेक करने के लिए आपने स्कार मार्क चेक करना है, अगर वो नहीं है तो आपने मॉन्टेक्स टेस्ट परफॉर्म करना है। कन्वर्जन हो गई है तो ये कौन सी वैक्सीन दी गई है, पर्टुसिस वैक्सीन दी गई है। ओके, इसके बाद है फीवर है, बताया गया कि चाइल्ड ने कुछ वैक्सीन इंजेक्शन लिया गया है, तो आपने रीअश्योरेंस करनी है, पैरासिटामोल देनी है। ओके, इसके बाद जो हर्ड इम्यूनिटी को अचीव करने के लिए इम्यूनाइजेशन कैंपेन करनी है, लेकिन टेटनस में काम नहीं कर पाती क्योंकि टेटनस फैलता नहीं है एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ। ओके, इसके बाद है कि अगर इनर सर्कल जो इनर स्क्वेयर है वो डार्कर हो जाए आउटर रिंग से, तो आपने वैक्सीन को उठा के फेंक देना है। ओके, इसके बाद है कि वैक्सीन सबको कंटीन्यूअसली देनी ऑन द लेफ्ट अपर आर्म है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन कौन सी दे रही है मीजल्स की वैक्सीन, राइट साइड पे होती तो वो राइट डेल्टॉइड पे होती तो वो BCG होती है, जो एट अ टाइम वो बढ़ती जाती है। लेसिलेटेड वाउंड है टेटनस का पता नहीं है, टू प्रोटेक्ट हिम अगेंस्ट अ टेटनस, तो आपने क्या करना है 3 डोज ऑफ टेटनस टॉक्साइड 1 मंथ अपार्ट अलॉन्ग विद एंटी टेटनस सीरम देना है। क्लियर, एक बच्चा है दूर दराज एरिया में रहता है, पोलियो वैक्सीनेशन पूरी कर ली है इसने, वट इज़ द मोस्ट प्रोबेबल काज ऑफ फेलियर ऑफ वैक्सीन, तो कोल्ड चेन का फेलियर था क्योंकि दूर दराज एरिया में रह रहा था। द 9th एंड द मोस्ट रिसेंट वीक, सो 9th एंड द मोस्ट रिसेंट वैक्सीन डेट इज इंक्लूडेड इज द निमोकोकल निमोनिया वैक्सीन। ओके, ये नई वैक्सीन ऐड की गई है। 4 मंथ ओल्ड चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम इम्यून डेफिशिएंसी है, डॉक्टर ने इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन प्रिस्क्राइब की है। ओके, तो फॉर द कम्युनिटी इट ऑफर नो प्रोटेक्शन, क्योंकि जो वाइल्ड पोलियो होता है कैन मल्टीप्लाई इन द गट, कैन बी द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। अ चाइल्ड आफ्टर 1 आवर ऑफ रिसीविंग पेंटावेलेंट वैक्सीन है, तो उसको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आना शुरू हो गया है, वो भी माइल्ड टू मॉडरेट वाले।
ओके इसके बाद है कि वैक्सीनेटर है उसने वीवीएम को चेक किया है, वैक्सीन वाल मॉनिटर तो जो इनर स्केयर है वो मैच कर रहा है, तो आपने वैक्सीन को डिस्कार्ड कर देना है। जब तक वो लाइटर रहेगा आपने इसको यूज़ करना है। नेचुरली अकरिंग पैसिव इम्यूनिटी ये आईजीजी के ट्रांसफर की वजह से होती है या कोलेस्ट्रॉल ट्रांसफर ऑफ आईजीए की वजह से होती है। फ्रीज वैक्सीन में +2 से लेकर +8 तक आपने रखना है। पोलियो मीजल्स का भी रट्टा मारना है। आइस लाइन रेफ्रिजरेटर के बारे में क्या बात ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर में रखा जाता है, ट्यूब से पैक होती है। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में क्या बात ठीक है, तो आईजीएम ओके जो आईजीएम आती है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में होती है। सऊदी अरेबिया में जाना तो मेनिनजाइटिस की वैक्सीन करनी है। इसके बाद हेपेटाइटिस ए के बारे में क्या बात ठीक है, तो जो इनएक्टिवेटेड हेपेटाइटिस ए वैक्सीन होती है ये बहुत सारे कंट्री में इस्तेमाल की जाती है। जो ओरल टाइफाइड फीवर वैक्सीन है दिस इज़ अ लाइव एटीन्यूटेड। ये चैप्टर भी हो गया है। ओके नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ विच टाइप ऑफ फैट इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रोनरी हार्ट डिजीज़। तो क्रोनरी हार्ट डिजीज़ वाले पेशेंट को कैनुला ऑयल देना है। सी से कैनुला, सी से क्रोनरी हार्ट डिजीज़। द स्टडी विच हैव प्ले रोल तो ये फ्रेमिंगम स्टडी होती है क्रोनरी हार्ट डिजीज़ के लिए। ब्लाइंडनेस का कॉज कैटरैक्ट होता है। द कैंसर विच आर इनहेरिटेड तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से होते हैं, रिस्क फैक्टर। द रेंज ऑफ बीएमआई तो 18.5 से लेकर 25 तक होता है। बीएमआई के बारे में ठीक बात किया है, ये वेट एसोसिएटेड विद मसल और वेट एसोसिएटेड विद फैट इसका सेपरेट नहीं कर सकता। चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द ब्लाइंडनेस तो ये सारी बातें ठीक है। ओके इसके बाद है करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द ओरल कैंसर तो जो ओरल कैंसर है प्री कैंसरस लिगेंड 15 साल तक आप डिटेक्ट कर सकते हो। लंग कैंसर में अकर ड्यू टू द इनहेलेशन ऑफ तो ये सारी चीज़ों की वजह से लंग कैंसर हो सकता है। डायबिटीज़ के बारे में क्या बात ठीक है। ओके एमसीआर मम्स रुबेला और कॉक्सी की ये हमारे बीटा सेल और पैनक्रियाज को नुकसान पहुंचा देते हैं। द सर्च फॉर अनरिकॉग्नाइज्ड मैलिग्नेंसी बाय मीन ऑफ रैपिडली टेस्ट तो ये कैंसर स्क्रीनिंग होती है। नेक्स्ट है डेवलप्ड कंट्री के अंदर प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट ड्यू टू क्रोनिक हार्ट डिजीज 25 से लेकर 30% तक होता है। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज आपको प्रीवेलेंस मिलेगा। मॉडिफाइबर इस फैक्टर में एज नहीं आता, जेनेटिक्स फैमिली हिस्ट्री इसके अलावा ये चीज़ें नहीं आती। टोबैको स्मोकिंग इज अ प्रूव्ड रिस्क फैक्टर फॉर क्रोनिक हार्ट डिजीज तो जो क्रॉनिक स्मोकर इसमें रिस्क कम नहीं होता, विल डिक्रीज ऑन सीजेशन ऑफ स्मोकिंग। ओके इसके बाद बीएमआई 31 है, वेस्ट टू हिप रेशियो 1:2 है तो क्या इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये क्या है मॉर्बिडिटी होने के चांस ज़्यादा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मोटा है। कॉमनस्ट कैंसर इन द मेल तो वो कौन मेल अडल्ट पॉपुलेशन, वैसे यहाँ पे प्रोस्टेट आना चाहिए था लेकिन यहाँ पर इन्होंने लंग्स को सेलेक्ट किया हुआ है क्योंकि प्रोस्टेट यहाँ पे है नहीं। कार्सिनोमा ब्रेस्ट के बारे में क्या बात ठीक है, कार्सिनोमा ब्रोंकोजेनिक तो पाकिस्तान में पाकिस्तानी मेल्स में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। ब्लड प्रेशर 150/90 है तो ये ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं है बल्कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। द वेट ऑफ अ मैन इज 80 kg तो 20 तक आ जाएगा और ये इसका वेट नॉर्मल है। ही इट वॉज ऑब्जर्व डैट इंसिडेंस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर कैंसर इज हाई इन द कम्युनिटी आउट ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली कॉज द यूज ऑफ बैरा या स्मोकलेस टोबाको की वजह से भी कैंसर हो सकता है। ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, अर्ली फुल टर्म प्रेगनेंसी ए प्रोटेक्टिव इफेक्ट होती है। सेंसिटिव मेथड फॉर डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर तो कौन सा होता है, मैमोग्राफी इज द सेंसिटिव मेथड। ओके इसके बाद स्कूल गोइंग चिल्ड्रन वाज डायग्नोज फॉर द रूमेटिक फीवर, उसको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया गया बेंजोइल पेनिसिलिन का इंटरवल ऑफ 3 weeks फॉर 5 years। इसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन, अर्ली डायग्नोसिस प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। ओके तो रूमेटिक फीवर की वजह से एरिथेमा मार्जिनेटम हो जाता है। फोकल न्यूरोलॉजिकल लेयन है, विच आर द फॉलोइंग द प्रिवेंटिव मेजर है, ब्लड प्रेशर चेक करना है, शुगर लेवल चेक करना है क्योंकि ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक हो गया है। सर्विकल कैंसर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है। 150/90 ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई है, माइल्ड हाइपरटेंशन है, वैसे ये माइल्ड तो लग नहीं रही, मुझे तो हाई लग रही है। 28 का 40 सेलेक्ट किया है, चलो माइल्ड हाइपरटेंशन कह लेते हैं क्योंकि नीचे वाला प्रेशर थोड़ा सा कम है। इसके बाद द मोस्ट सेंसिटिव एंड द स्पेसिफिक स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर तो वो कौन सा होता है, मैमोग्राफी होती है। अगर ये ना हो तो सेल्फ एग्जामिनेशन लिख देना। एक फैमिली के अंदर दोनों पेरेंट्स डायबिटिक है वो चेक करना ये जानना चाह रहे हैं कि इनकी जो डॉटर है वो है या नहीं, तो कौन सा स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगे, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाते हैं। ओ वाओ अगले सवाल बहुत सारे हैं।
चैप्टर है कॉम्युनिकेबल डिजीज़। तो कॉम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर क्या है, न्यूली डायग्नोज एसिड फास्ट बैसिलाई पॉजिटिव पेशेंट है, डॉट्स थेरेपी है। तो डॉट्स थेरेपी में 2 मंथ का इंटेंसिव पीरियड होता है, 4 मंथ का कंटिन्यूएशन फेज होता है। ओके, सो मेजर इज डिटेक्टेड इन अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 2D है। ओके, तो व्हाट शुड बी डन, तो जो जो दूसरे बंदे हैं उनका आपने अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है। ठीक हो गया। द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर कंट्रोल ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस इज अर्ली डायग्नोसिस प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर कंट्रोल ऑफ मलेरिया इज अर्ली केस डिटेक्शन एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। मलेरिया का जो इंसिडेंस होता है ट्रॉपिकल अफ्रीका में काफ़ी ज़्यादा होता है। रुबेला के बारे में क्या बात ठीक है, पोस्टीरियर सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी होती है, स्केबीज के बारे में क्या बात ठीक है, इट कैन बी कॉम्प्लिकेटेड बाय द सेकेंडरी इन्फेक्शन है। स्टाफिलोकोकल फूड पॉइजनिंग के बारे में क्या बात ठीक है, टॉक्सिन की वजह से होता है। मेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनसेफलाइटिस ड्यूडेनली इज द परकुटेनियस, यानी जो पेनिट्रेशन ऑफ स्किन बाय द लार्वे होते हैं। वन लिमिटेशन ऑफ वैलिडिटी ऑफ ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट इज क्रॉस रिएक्टिविटी टू एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया। ओके, इन्वेस्टिगेशन ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कब करनी है, जब ड्यूरेशन ऑफ कब 3 हफ्तों की हो। उसके बाद नेक्स्ट है कि आ पर्सन मेड अ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ही हैज सफर्ड अ डीप वूंड ऑन द लेफ्ट लेग जो कि कॉन्टेमिनेटेड है। तो ये आपने क्या करना है, साफ करना है, टेटनस टॉक्साइट और इम्यूनोग्लोबिन दोनों देनी है। इसके बाद कीमो प्रोफिलैक्सिस फॉर ट्यूबरकुलोसिस, तो ये इन्फेंट के लिए रिक्वायर्ड है हुज मदर आर ओपन कॉज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। मोस्ट डेंजरस मलेरियल पैरासाइट इज द प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। प्लेग को कंट्रोल करने के लिए क्या करना है, एंटीबायोटिक जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, ये कंट्रोल कर लेती है प्लेग को। शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड कुछ दिनों तक होता है, तो ये स्टाफिलोकोकल फूड पॉइजनिंग का होता है, टॉक्सिन से फैलती है। एंथ्रेक्स क्या होता है, पल्मोनरी एंथ्रेक्स इज ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ स्पोर ऑफ बैसिलस एंथ्रेक्सिस। ट्यूबरकुलिनस टेस्ट या मैनट्रिक्स टेस्ट होता है, अगर इंड्यूरेशन 1 सेंटीमीटर से नीचे हो तो ये पॉजिटिव टेस्ट को शो करती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्जेनिटल रूबेला, तो ये क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है, कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ एंटी रेबीज वैक्सीन, तो ये क्या होती है, अनप्रोवोक्ड बाइट बाय लिजर्ड, छिपकली ने काट लिया है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट चलते हैं, 9th month ओल्ड चाइल्ड है, वाटरी डायरिया है, मदर रिपोर्ट करती है कि कुछ इंजेक्शन लगाया गया है, तो वो क्या होगा, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो गया होगा ड्यू टू कंटेमिनेटेड मीजल वैक्सीन। फॉर द प्रिवेंशन ऑफ इन्फ्लुएंजा क्या करना चाहिए, आपको ये सब चीज़ें करनी चाहिए, वायरल ड्रग यूज़ करनी चाहिए। एरबो वायरस इन्फेक्शन आर्थ्रोपोड बोन वायरस होते हैं, येलो फीवर एडीस एजेप्टाइस से ट्रांसमिट होता है। बोलीविया अफ्रीका का शहर है, पाकिस्तान में आया, तो येलो फीवर को चेक करना है आपने। ओके, हेपेटाइटिस ए के प्रिवेंट करने के लिए क्या बात है, ठीक नहीं है पास्चराइजेशन, ये ठीक नहीं होता, इससे आप प्रिवेंट नहीं कर सकते। ORS के बारे में क्या बात ठीक है, अगर ORS अवेलेबल नहीं है तो 5 ग्राम लेना है टेबल साल्ट और 20 ग्राम लेना है शुगर का, तब ORS बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जापानीज एनसेफेलाइटिस इज करेक्ट, तो जो पिग्स होते हैं आर द मेन वर्टिब्रा होस्ट है। ओके, विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ब्रुसिलोसिस है, तो जो प्रिवेंशन ऑफ ब्रुसिलोसिस है इसके अंदर क्या चीज़ आती है, इसमें सब चीज़ें आती है कि इन्फेक्टेड एनिमल को आपने ज़िबा कर देना है। सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसमें वैक्सीनेशन टू ऑल कॉन्टैक्ट ये कभी भी नहीं करना। कंट्रोल ऑफ ट्यूबरकुलोसिस के लिए अर्ली डिटेक्शन ऑफ स्पूटम पॉजिटिव केस है, हाई इंसिडेंस डायरिया है, तो इम्यूनाइजेशन मीजल्स के खिलाफ करनी है। ओके, मीजल्स इज अप्रोप्रिएट इन इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ऑफ एपिडेमिक ऑफ फूड पॉइजनिंग। ओके, तो अप्रोप्रिएट प्रोसीजर फॉर डाटा एनालिसिस, तो क्या होता है फूड पॉइजनिंग वाले में टाइम प्लेस पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन करनी है एपिडेमिक की इन्वेस्टिगेशन के अंदर। एनसेफलोकोकस ड्यूडेनली के लिए चैंडलर इंडेक्स यूज करते हैं एपिडेमियोलॉजी स्टडी के लिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रंक्युलियोसिस, तो जो ट्रंक्युलियोसिस है जीनिया वॉर्म होती है ये साइक्लोप्स की वजह से होती है, साइक्लोप आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज ट्रांसमिशन। इन वैल्यूएशन ऑफ लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम, तो हम रिलैप्स रेट यूज़ करते हैं। चिकन पॉक्स के बारे में क्या बात ठीक है, सेकेंडरी अटैक रेट इन हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस ये कोई भी बात ठीक नहीं है। प्रिवेंटिव स्टेप्स टेकन अगेंस्ट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, तो उनको क्या बोलती है, रिवर्स बैरियर नर्सिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट ऑप्शन फॉर प्रिवेंशन ऑफ वर्टिकल ट्रांसमिशन, तो ये होती है एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी देनी है मदर को और न्यू बॉर्न को भी देनी है। इफ द मदर इज स्पुटम पॉजिटिव है तो क्या करना है, आपने पहले ट्रीटमेंट करना है बाय द डॉट्स एंड द ट्यूबरकुलिन टेस्ट, अगर टेस्ट और पॉजिटिव आता तब कीमो प्रोफिलैक्सिस करानी है सिनियाजाइड की। प्री रिक्विजिट फॉर डिजीज इरेडिकेशन, तो इसमें सब चीज़ें आ जाती है, इफेक्टिव वैक्सीन ये सब चीज़ें आ जाती है। ओके, विच आर द फॉलोइंग इज इरेडिकेटेड बाय ह्यूमन एफर्ट, तो ये मीजल से आराम मीजल खत्म हो सकता है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू अबाउट जापानीज इंसेफलाइटिस, तो कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। डेंगी हेमरेजिक फीवर के बारे में क्या बात ठीक नहीं है, द मेन कंट्रोल मेजर इज टू ऑफर वैक्सीन टू ऑल पीपल इन अफेक्टेड एरिया, ये बात ठीक नहीं होती। इफ देर इज एन एपिडेमिक ऑफ मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस अमंग द जेल प्रिजनर, तो आपने क्या करना है, कोइमा प्रोफिलैक्सिस के तौर पर रिफैम्पिसिन यूज करनी है। ओके, अकॉर्डिंग टू WHO बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर कंट्रोल ऑफ रेबीज, तो एंटी रेबीज वैक्सीनेशन टू द डॉग ऑन द मैस लेवल। नेक्स्ट है,
हम चलते हैं विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्जेनिटल रूबेला इज ट्रू। तो इसकी वजह से डेफनेस, कार्डिक मालफॉर्मेशन, कैटरेक्ट हो सकती है, एक कुत्ते ने काटा है जिसकी वजह से सब ब्लीडिंग हो रही है, तो आपने क्या करना है, एंटी रेबीज पिनोग्लोबुलिन लगानी है, एंटी वैक्सीन स्टार्ट करनी है, ओके, और ट्रीटमेंट स्टॉप कर देना है अगर जानवर बिल्कुल हट्टा कट्टा हेल्दी रहा था। इसके बाद है HIV पॉजिटिव है तो आपने एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी देनी है, फिर आपने इसके बाद देना है मदर शुड रिसीव पॉजिटिव फॉर HIV एड्स, चूज द बेस्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द, पहले इन्होंने कुछ और कहा था, इन्होंने कुछ और कहा है द 50 का, इन्होंने क्या लिखा हुआ है, एलिफेंट लिखा हुआ है। चलो, वन ऑफ द रीज़न फॉर द रैपिड रीजन ऑफ इन्फ्लुएंजा, रैपिड स्प्रेड ऑफ इन्फ्लुएंजा, तो ये शॉर्ट इनक्यूबेशन पीरियड की वजह से होता है। पॉजिटिव टॉनिक टेस्ट डेंगी हेमरेजिक फीवर के अंदर होता है, ओके। न्यू बॉर्न को प्रोटेक्ट करने के लिए 2 डोज ऑफ टेटनस टॉक्साइड देनी है। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं बेस्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द लेप्रोसी, तो लेप्रोमेटस के अंदर इनक्यूबेशन पीरियड 3 से लेकर 5 दिन तक होता है। बेस्ट ऑप्शन फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एनीमिया, तो आपने क्या करना है, ह्यूमन एक्सक्रीटा, खासतौर पर हुकवाम की वजह से होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि ब्लैक कलर्ड स्कैब है तो उसको डायग्नोसिस क्या होगा, स्क्रब टाइफस होता है, रैशेज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओके, अल्टीमेट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है कंट्रोलिंग ऑफ डिजीज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ दिस डिजीज, तो ये टाइफाइड होती है, ओके। इसके बाद हम आगे चलते हैं, डॉट्स थेरेपी दी गई है उसकी वजह से टिंगलिंग और नंबरेंस है, तो ये पेरिडॉक्सिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, सोनियाजाइड की वजह से होता है। BHU में आया है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस है, तो आपने हायर रेफरल की तरफ भेजना है उसको। एड्स और TB है, मांटिक्स टेस्ट के अगस्त में नेगेटिव आ जाएगा, इसको बोलते हैं हम फास्ट नेगेटिव कहते हैं। एड्स को डायग्नोस करने के लिए ELISA इज अ सेंसिटिव टेस्ट होता है। कंजेनिटल रूबेला इन्फेक्शन जब होता है, जब इन्फेंट में कौन सी एंटीबॉडीज होती है, ओके, तो इन्फेंट में IgM होती है। स्किन आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में रिपोर्ट हुआ है सफरिंग फ्रॉम ओरिएंटल सोर है, तो ये सैंड फ्लाई की वजह से होता है। आरबो वायरस येलो फीवर करवा दिया, ओके। मांटेस टेस्ट रिसीव किया है आफ्टर 48 आवर, द इंड्यूरेशन वाज 1.5, तो उसका मतलब टेस्ट पॉजिटिव है, चाइल्ड वाज इन्फेक्टेड विद ट्यूबरकल बेसिस आई, ओके। कराची से वापसी आते हुए इसको माइल्जिया रिट्रो ऑर्बिटल पेन है, मच्छर ने काट लिया है, डेंगू फीवर है। वायरल हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ए को प्रिवेंट करने के लिए फीकल कंटेमिनेशन को प्रिवेंट करना है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन के बाद आपने किस चीज़ को ऑब्जर्व करना है, जो कि वैक्सीनेशन को बताएगा, NTHBS एंटीबॉडी को। अर्ली केस डिटेक्शन इज एन इंपॉर्टेंट एक्टिविटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, तो कौन सा यूज़ करते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के लिए, क्लस्टर टेस्टिंग करते हैं या स्नोबॉल सैम्पलिंग में करते हैं। प्रेगनेंट वुमन वांट्स प्रोटेक्शन फॉर हर बेबी, तो आपने 3 इंजेक्शन और टेटनस टॉक्साइड पहले 2 लिखा हुआ था, चलो बाकी कोई ऑप्शन बद भी नहीं सकता सही। इसके बाद नेक्स्ट है कि चाइल्ड के अंदर माइन्यूट पिंकिश डिस्क्रीट रैशेज है, नो पोस्टीरियर ऑरिकुलर लिम्फेडिनोपैथी, सॉरी है लिम्फेडिनोपैथी, तो ये रूबेला की वजह से होती है। पोलियोमाइलाइटिस को देखने के लिए स्टूल टेस्ट करते हैं फॉर पोलियोमाइलाइटिस। नेक्स्ट है पिटिचियोसिस है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और हेमाटोक्रिट हो गया, तो ये डेंगी हेमरेजिक फीवर है। डॉक्टर इन चार्ज ऑफ बेसिक हेल्थ यूनिट एडवाइस फार्मर नॉट टू वॉक बेयर फूड, तो ये किसके लिए, एंसाइलोस्टोमा ड्यूडेनेरी के लिए कर रहे हैं, ओके। इसके लिए IgM एंटीबॉडी देखते हैं रूबेला के लिए। इसके बाद है कि हिस्ट्री ऑफ इनएबिलिटी टू फीड और फीड्स आ रहे हैं, फ्रीक्वेंट फीड्स है, चाइल्ड वाज अनएबल टू ओपन, तो ये टेटनस की वजह से या लॉक जहाँ हो गया था। नेक्स्ट है चूज द बेस्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन HIV एंड ट्यूबरक्लोसिस, तो जो HIV पेशेंट होते हैं यार 30 to 50 times मोर प्रोन टू द एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस है। अ प्रेगनेंट वुमन वाज टेस्टेड पॉजिटिव फॉर HIV है और शी वाज वरीड अबाउट हियर कमिंग चाइल्ड है, तो रेट ऑफ HIV ट्रांसमिशन 20 से लेकर 25% होता है। हेल्थ प्लानर रिकमेंडेड फॉलोइंग ऑप्शन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ टेटनस, तो टेटनस को प्रिवेंट करने के लिए टेटनस टॉक्साइड इम्यूनाइजेशन स्टार्ट करनी चाहिए। अ डॉक्टर इज अटेंडिंग एन HIV एड्स पेशेंट, ही सेड हर मैक्सिमम रिस्क ऑफ गेटिंग द डिजीज इज द रीकैपिंग ऑफ नीडल, यानी जो मैक्सिमम रिस्क होता है ड्यूरिंग द रीकैपिंग ऑफ नीडल हो सकता है। गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस को डायग्नोस करने के लिए स्पोटम फॉर एसिड फास्ट बेसिलाई है। मेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस सी, तो ये कौन सा होता है, ब्लड ट्रांसमिशन होती है। पर्सन रिसीव 3 इंजेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है, ओके। अब वो इंश्योर करना चाह रही है कि हर वैक्सीनेशन वाज सक्सेसफुल। डिटेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो NTHBS चेक करते हैं वैक्सीनेशन की सक्सेस को चेक करने के लिए, ओके। कंजेनिटल मालफॉर्मेशन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती है, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन के लिए आया है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, स्क्रीन करनी चाहिए, ओके। कम फॉर हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन, तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, स्क्रीन फॉर हेपेटाइटिस बी एक्सपोजर। ग्लूकोज को हम यूज़ करते हैं ORS के अंदर, क्योंकि ये साल्ट और वाटर की भी अब्सॉर्प्शन कराता है। फूड पॉइजनिंग के अंदर कौन सा अनलाइकली, सेकेंडरी केसेस नहीं होते, प्राइमरी केसेस भर भर के हो गए। कीनिया वाला है, वैक्सीन का सर्टिफिकेट नहीं है तो क्वारंटीन में रखो,
ओके इसके बाद हैनोफिलिस मॉस्किटो ने काट लिया है तो उसकी वजह से जो साइन सेप्टम आते हैं 10 दिन तक आते हैं इनक्यूबेशन पीरियड पर। पूछ रहे हैं असल में टेटनस न्यूनेटोरम के बारे में क्या बात, ठीक है तो ये इन्फेक्शन ऑफ अम्बिलिकल स्टम की वजह से होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड के इन्फेक्शन की वजह से होता है। इसकी मतलब इज एन इंपॉर्टेंट हेल्थ प्रॉब्लम, मोस्ट लॉजिकल एंड द कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच क्या होती है इसमें, आपने कुत्तों को आवारा कुत्तों को निकाल देना है और मैस इम्यूनाइजेशन करनी है डॉग्स की। अब पर्सन वाज बिटन बाय द डॉग है तो पहले वैक्सीनेशन करवाई भी है लेकिन एंटीबॉडी का स्टेटस नहीं पता तो 3 इंट्रामस्कुलर डोज लगवा देनी है। ओके 0-3-7 पर क्लियर। इसके बाद हम आगे चलते हैं, अ पर्सन केम फ्रॉम द साउदर्न इंडिया ओके और इसको CNS सिप्टम आना शुरू हो गया, एलाइजा के अंदर स्पेसिफिक IgM एंटीबॉडी मिली है जापानी इंसेफ्लाइटिस की, तो ये क्या है क्यूलिक्स मॉस्किटो की वजह से होता है। ओके इसके बाद नेक्स्ट है CD4 काउंट 350 से कम है तो न्यू क्राइटेरिया इंक्रीज द टोटल नंबर ऑफ मेडिकली एलिजिबल पर्सन तो 50 तक कर लो आप। चूज द बेस्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द मेटरनल टू फीटल ट्रांसमिशन ऑफ एड्स तो प्रिवेंट करने के लिए एंटी रिट्रोवायरल ड्रग प्रोफाइलैक्सिस है, सिजेरियन सेक्शन इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन है और रिफ्रेनिंग फ्रॉम ब्रेस्ट फीडिंग ये आपने करनी है। चूज द बेस्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द हेपेटाइटिस डी ओके हेपेटाइटिस बी के साथ को इन्फेक्शन होता है, पोलियोमाइलाइटिस की जो आउटब्रेक होती है टाइप 1 वायरस की वजह से होती है, वैक्सीनेशन सेंटर में गए प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस के अंदर 3 इंजेक्शन लगाने हैं 0, 7, 14 और बूस्टर एवरी 2 ईयर ओके। इसके बाद नेक्स्ट है कि वैक्सीनेशन के लिए गया 8 साल का काफ़ी दूर दराज एरिया से है, सेकंड विजिट अनलाइकली है, बेस्ट लाइन क्या हो कि डायरेक्ट BCG लगा दो। इंटरनेशनल ट्रैवलर वाज हैविंग फीवर एट द टाइम H5N1 तो ये बर्ड फ्लू होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिल्क बॉर्न तो ये एंथ्रेक्स मिल्क बॉर्न नहीं होता। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग रिकेट्सियल डिजीज हैज नो स्किन लेगी तो क्यू फीवर की स्किन लेगी नहीं होती, रैशेस नहीं होते। वन ऑफ द कार्डिनल फीचर ऑफ लेप्रोसी इज द लॉस ऑफ क्यूटेनियस सेंसेशन, द बेस्ट मेथड ऑफ केस रिडक्शन इज द कॉन्टैक्ट सर्वे आपने करना है, बहुत एक्टिव एंड द स्पेसिफिक पैसिव टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन अवेलेबल फॉर टेटनस हेपेटाइटिस बी रेबीज रूबेला। नेक्स्ट है 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड प्रेजेंटेड विद फीवर कफ कंजक्टिवाइटिस फॉलोड बाई रैशेज विच स्टार्ट बिहाइंड द ईयर एंड सेपरेट रेपिडली ऑल ओवर द बॉडी ओके कान से पीछे से स्टार्ट हुआ था, फीवर भी या कफ भी या कंजक्टिवाइटिस भी है, कंजक्टिवाइटिस पे आपको क्या देखने को मिलेगा कॉम्प्लेक्स स्पॉट नहीं वो बाइट स्पॉट होते हैं। हेपेटाइटिस सी के बारे में क्या बात गलत है तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड 3 से लेकर 4 नहीं होता, पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी नहीं होता क्योंकि ट्रांसमिट नहीं होता, लेप्टोस्पायरोसिस को प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं वैक्सीनेशन करते हैं और कंट्रोल ऑफ रोडेंट ये आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्यूबरक्लोसिस इज नॉट ट्रू तो हाई कवरी विद BCG मेक इट ईजी टू डिटेक्ट प्रीवैलेंस ओके ये बात गलत है, BCG से आप प्रीवैलेंस को नहीं देख सकते, कंजेनिटल रूबेला का पता लगेगा ए और बी, IgM शॉर्टली आफ्टर द बर्थ और IgG 6 मंथ्स के ज़्यादा आपको देखने को मिलता है ओके। ट्यूबरकुलिन टेस्ट परफॉर्म किया गया है, इंड्यूरेशन आपको देखने को मिली है, द ट्यूबरकुलिन टेस्ट वाज पॉजिटिव एंड वाज नॉट इम्यूनाइज अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस, टेस्ट पॉजिटिव आएगा और 1 सेंटीमीटर की आई है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस है जब वो आइसोनियाज़ाइड रिफेम्पिन दोनों से रेजिस्टेंट होता है क्लियर। रिगार्डिंग द डेडली कॉम्बिनेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंड HIV/AIDS तो जो TB होता है इज नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ इन HIV पेशेंट है और HIV पेशेंट ठीक है TB होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। बेस्ट स्केजुअल ऑफ हेपेटाइटिस बी ओके फर्स्ट डोज एनी इलेक्टेड डेट पर लगानी है, सेकेंड डोज 1 मंथ लेटर, थर्ड डोज 6 मंथ आफ्टर द फर्स्ट डोज। सीरीमियन कॉन्गो हेमरेजिक फीवर इन द बलोचिस्तान है तो उसके लिए इंसेक्टिसाइड यूज करने हैं टू कंट्रोल टिक इन द शीप एंड द काउ, द वेक्टर फॉर ट्रांसमिशन क्या होता है टिक होती है, सीरीमियन कॉन्गो हेमरेजिक फीवर है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इबोला डिजीज तो केस फेटेलिटी रेट इसका 90% होता है, आरबो वायरस आर्थ्रोपोड बोन होती है, प्रिवेंशन ऑफ मीजल्स के अंदर 2 डोज ऑफ मीजल वैक्सीन 9 मंथ और 15 मंथ पर लगाई जाती है। तो ये तो हो गया कम्युनिकेबल डिजीज। रिकॉर्ड लेंथी चैप्टर आ गया है, न्यूट्रिशन वाला चैप्टर है, द रिकमेंडेड डेली कैलोरिक इनटेक फ्रॉम प्रोटीन तो प्रोटीन से 15 से लेकर 20 तक आती है ओके, फैट से 20 से लेकर 30 तक आती है, कार्ब से 60 से लेकर 70 तक आती है, कवाशी और के अंदर एडिमा होता है, विटामिन डी का जो रिचेस्ट सोर्स सनलाइट होता है अच्छा वाला सोर्स है, जो मिड आर्म सर्कमफेरेंस है 1 से लेकर 5 तक होता है, कार्ब 60 से लेकर 70 तक होता है, BMI 20 निकलेगा, लाइसिन इज इनसफिशियंट इन सीरियल्स में नहीं होता ओके, पल्सिस में कौन सा अमाइनो एसिड नहीं होता, मैथियोनिन नहीं होती, अगर सीरियल्स को पल्सिस का मिला लो
नहीं होता, दोनों को मिला दो तो आपकी अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। आवर डाइट कंटेंट फैटी एसिड, लिनोलिक एसिड, कोई भी बात ठीक नहीं है। हाईएस्ट विटामिन ए कंटेंट कोड लीवर ऑयल में होता है। ओके, टोटल डाइटरी फैट इनटेक 20 से लेकर 30 तक होती है। मोस्ट कॉमन लेयर एसोसिएटेड विद राइबोफ्लेविन तो एंगुलर स्टोमेटाइटिस होता है। रिगार्डिंग द आयरन इन डाइट, तो जो फूड होती है मिल्क, एग, टी, ये आयरन अब्सॉर्प्शन को प्रिवेंट कर देती है। ओके, एस्टिमेट द प्रीवेलेंस ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी, तो 6 मंथ से लेकर 6 ईयर में आपने देखना है। प्रीवेलेंस ऑफ ज़ेरोफ्थाल्मिया, उसको चेक करने के लिए आपने विटामिन ए को देखना होता है, यहाँ पे तो कुछ भी सही नहीं है। ओके, इसके बाद है लैक्टेशन में 550 किलो कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है। एफिकेसी और पास्चराइजेशन को चेक करने के लिए फास्फेटेस टेस्ट होता है। एनीमिया क्यों होता है, ड्यू टू पुअर अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन, जिंक डेफिशिएंसी की वजह से सब चीज़ें हो जाती है। सिलीनियम डेफिशिएंसी की वजह से एंटीबॉडीज कम आती है। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट जो पास्ट इन्फेक्शन को बताता है वो हाइट होता है। बीएमआई के बारे में क्या बात ठीक है, जेंडर से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होता। ऑस्टियोमलेशिया विटामिन डी के डेफिशिएंसी की वजह से होता है। पुअर इन द इवनिंग, तो ये क्या होता है, ये नाइट ब्लाइंडनेस है। तो आपने कोड लीवर ऑयल कैप्सूल लेने हैं। एडिशन ऑफ आयोडीन टू द टेबल साल्ट, दिस इज अ फूड सप्लीमेंट, फूड फोर्टिफिकेशन होती है। ओके, एफ्लाटॉक्सिन क्या होता है, ये सारी बातें ठीक है, फंगल टॉक्सिन होता है। फूड पॉइजनिंग इन अ फॉर प्लानिंग अ बैलेंस डाइट, तो जो साल्ट इनटेक है शुड बी लेस देन 5 ग्राम पर डे। मेटाबॉलिक स्टडी हैव डेमोंस्ट्रेटेड दैट ट्रांस फैटी एसिड आर मोर एथेरोजेनिक होते हैं। ओके, एक बच्चा है 1 साल का है तो पिजन चेस्ट है, तो वेरी किड्स की वजह से होता है। ओके, इसके बाद है कि मॉडलिंग ऑफ टीथ कब होती है, 3.5 मिलीग्राम पर लीटर पे होती है, फ्लोराइड के लेवल पे होती है। रिसर्चर वांट्स इन अ शॉर्ट टाइम टू असेस द न्यूट्रिशनल स्टेटस फ्रॉम 1 to 5 है, तो उसके लिए क्या करें, मिडआर्म सर्कमफेरेंस यूज करें विद शेकर टेप। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होल ग्रेन का होता है। प्रोटीन की क्वालिटी के लिए मोस्ट प्रैक्टिकल टेस्ट क्या है, नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन होती है। प्रेग्नेंट मदर के लिए कितने कैलोरी इजाफी लगेगी, 350 किलो कैलोरी ज़्यादा इजाफी लगती है। मिल्क इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन मिनरल विटामिन है, लेकिन मिल्क में विटामिन सी नहीं होता, कार्ब्स भी नहीं होते। ओके, फॉर मिल्क पास्टराइजेशन हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम पीरियड, तो ये 72 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। डाइटरी फाइबर कितनी एनर्जी देते हैं, कितने ग्राम्स, तो 1 ग्राम देता है 2 किलो कैलोरी तक होता है। मिलिंग माइलिंग द राइस होता है, उसकी वजह से क्या होता है, थायमिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। पल्सिस आर कॉल्ड पुअर मैन डाइट होता है। प्रोटीन कंटेंट कितना होता है, 20 लेकर 25 तक होता है। प्रोटीन कंटेंट इन सीरियल, सीरियल में कितना होता है, 6 से लेकर 12 होता है, तकरीबन उसे हाफ होता है। एग इज़ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, लेकिन एग के अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं होते, मिल्क में विटामिन सी नहीं होता। ओके, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है सेंसिटिव इंडिकेटर, तो वो वेट फॉर एज होता है। इसके बाद स्किन ओपीडी डिपार्टमेंट में गया है, पेनफुल हॉर्नी पैपुलर इरप्शन हुई हुई है लिम्स के ऊपर। ओके, तो कौन सा फैटी एसिड दोगे आप, लिनोलिक एसिड दोगे जो कि एसेंशियल फैटी एसिड होता है। मिल्क से कौन सा ट्रांसमिट नहीं होता, स्क्रब टाइफस जो कि टिक वाला लाउस हमने पढ़ा था। 7-year-old चाइल्ड स्ट्रॉन्गली डिसलाइक मिल्क, दिस कंडीशन इज कॉल्ड फूड फैट। अ डाइटिशियन सस्पेक्ट सब क्लिनिकल डेफिशिएंसी ऑफ राइबोफ्लेविन है, तो उसको चेक करने के लिए रिथ्रोसाइल ग्लूटाथायोन रिडक्टेज टेस्ट करते हैं। क्लियर, आरबीसी के अंदर ग्लूटाथायोन रिडक्टेज एक्टिवेशन टेस्ट है। इसके बाद जो फूड फोर्टिफिकेशन होती है, इसमें क्या करते हैं, फूड फोर्टिफिकेशन के अंदर कौन सा नहीं आता, एडिबल कलरिंग एजेंट या आपने ऐड नहीं करना होता। लिनोलिक एसिड सबसे ज़्यादा किस में होता है, कैनोला ऑयल में, यह क्रोनिक हार्ट डिजीज को कम करने के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, अब जो प्रोटीन इनटेक है वो नॉर्मल के अंदर दी हुई है, डीप फ्राइड फूड है, लेकिन डीप फ्राइंग की वजह से क्रोनिक हार्ट डिजीज बढ़ जाते हैं ड्यू टू ट्रांस फैटी एसिड। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा आयोडीन डेफिशिएंसी है, तो की वजह से क्रिटिनिज्म होता है। वर्निकेस थायमिन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। एंगुलर स्टोमेटाइटिस राइबोफ्लेविन की वजह से होती है। वनीला एसेंस ऐड करना, तो ये फूड एडिटिव होते हैं। ओके, एज अ फ्लेवरिंग एजेंट। इसकी बात है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मिल्क इज नॉट करेक्ट, जो फैट कंटेंट होता है ह्यूमन मिल्क का इट्स मोर देन बफेलो मिल्क, गलत, ये बात गलत है। ओके, इसके बाद है गोइट्रोजेनिक क्या होते हैं, जो ब्रैसिका ग्रुप है लाइक कैबेज या कॉलीफ्लावर है वो गोइट्रोजेनिक होते हैं, ये गोइटर करवा देते हैं। इसके बाद है मेल न्यूट्रिशन का किस तरह से डिफाइन करोगे, वेट फॉर एज बिलो मीडियन -2 स्टैंडर्ड डेविएशन और -2 Z-स्कोर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, काफ़ी लंबा चैप्टर है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर है एनवायरनमेंट एंड हेल्थ। जो कॉलीफॉर्म ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ड्रिंकिंग वाटर टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि फीसिस के अंदर काफ़ी ज़्यादा होते हैं। आर्सेनिक की रिकमेंडेड मैक्सिमम लिमिट 0.01 मिलीग्राम पर लीटर होती है। फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर सब चीज़ें आ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं रिकमेंडेड प्रोसीजर फॉर हाउस होल्ड प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, तो आपने बॉइलिंग करनी है 5 से लेकर 10 मिनट तक करनी है। ओके, एक्सरे एब्डोमन करवाने के लिए कौन सी हिस्ट्री लेनी है, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लेनी है, मेंसेस की हिस्ट्री लेनी होती है। फ्लोराइड 0.03 पार्टिकल पर मीटर है, बहुत ज़्यादा कम है। इनहांस ग्रीन हाउस इफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, तो जो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड होती है गैस।
क्लोरीनेशन के लिए फ्री रेसिडुअल क्लोरीन का लेवल 0.5 मिलीग्राम पर लीटर होता है। रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन प्लांट के लिए जो एलुम होता है इट इज़ यूज्ड फॉर कागुलेशन एट अ रेट ऑफ 5 to 40 मिलीग्राम पर लीटर। स्लो सैंड फिल्ट्रेशन फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन, इसमें जो साइज होता है 0.15 से लेकर 0.35 होता है। क्लोरीनेशन ऑफ वाटर इन यूजुअल डोज ऑफ 0.2 से लेकर 0.5 डज नॉट किल द पोलियोमायलाइटिस और वायरल हेपेटाइटिस है। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द डग वेल लैटरिन और सोर्स ऑफ अंडरग्राउंड तो ये 15 मीटर का होना चाहिए। टोटल डिजोल्व सॉलिड्स ये 600 से लेकर 1000 तक नहीं होने चाहिए। ओके, रेन वाटर इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म तो उसकी पीएच एसिडिक, ठीक है, एसिडिक पीएच होती है, नॉर्मल पीएच। ओके, क्लोरीनेशन वाटर 7 से लेकर 7.5 पीएच पे काम करती है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड ब्लीचिंग पाउडर, इसका 33% अवेलेबल क्लोरीन होता है। डीप वेल आर अ बेटर सोर्स ऑफ वाटर एज कम्पेयर टू शैलो वेल, क्यों? क्योंकि फ्री पैथोजेनिक वाटर प्रोवाइड करते हैं। WHO के बारे में क्या बात ठीक है? सारी बातें ठीक है कि ई-कोलाई नहीं होना चाहिए, नो सैंपल शुड कंटेन 3 कोलीफॉर्म, नो मोर देन 5% सैंपल है और नॉट टू कंसेक्टिव सैंपल है। ओके, इसके बाद हम आगे चलते हैं वर्ल्ड समिट इन जोहानिसबर्ग है, इसने सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल बनाया है, यानी इसमें जो पोल्यूशन है वो खुद ब खुद एयर बायोसफियर रिमूव कर देती है। फर्स्ट स्टेप ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ सर्फेस वाटर, इसमें क्या होता है, रिडक्शन ऑफ 90% पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये आ जाती है। प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन द ड्रिंकिंग वाटर मे राइज टू द कंप्लेन बाय द कंज्यूमर ऑन द फिजिकल एग्जामिनेशन, तो जो हाई टर्बिडिटी होती है। शैलो वेल के बारे में क्या बात ठीक है, देयर शुड बी अ नो सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन विद इन द 15 मीटर ऑफ द वेल। ओके, इसके बाद बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन के बारे में क्या बात ठीक है, कॉलोनी काउंट मेथड के अंदर वाइबल बैक्टीरिया को डिटेक्ट करते हैं, विजिबल बैक्टीरिया को। केमिकल एनालिस्ट ने रिपोर्ट किया कि नाइट्राइट का लेवल 20 मिलीग्राम है, इसका मतलब रिसेंट ऑर्गेनिक पोल्यूशन है। जो इल्यूमिनेशन चाहिए वो 100 लक्स की चाहिए। बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ लाइट इंक्लूड, तो इसमें मेंटल कैपेबिलिटी नहीं आती। ओके, इंसिडेंस ऑफ डायरिया काफ़ी ज़्यादा है, इसकी वजह क्या है, ड्यू टू फिकल कंटेमिनेशन है। नेक्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ वाटर के अंदर आपको रोटन एग देखने को मिलेगा, तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हॉस्पिटल वेस्ट के बारे में क्या बात ठीक है, कि जो इनर्टाइजेशन है इट्स वन ऑफ द मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। ओके, कॉटन ड्रेसिंग एंड स्वैप्स। ओके, तो जो कलर कोडिंग करनी है वो कैसे करनी है, येलो वाला, येलो में डाल देनी है। रिकमेंडेड डिस्पोजल ऑफ कंटेमिनेटेड सॉलिड वेस्ट, तो ये येलो में डालनी है। इसके बाद नेक्स्ट है चूज द बेस्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द जीनोटॉक्सिक हॉस्पिटल वेस्ट, तो जो जीनोटॉक्सिक होता है इसमें साइटोटॉक्सिक ड्रग्स होती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट था द प्रोसीजर बाय विच हैवी मेटल बिल्ड अप टू अ सिग्निफिकेंट अमाउंट इन अ बॉडी, दिस इज द बायो मैग्निफिकेशन। हॉस्पिटल वेस्ट जिसमें साइटोटॉक्सिक ड्रग होता है उसको क्या बोलते हैं, जीनोटॉक्सिक बोलते हैं। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, इसमें अल्ट्रावायलेट रेज होती है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सपोजर टू आयोनाइजिंग रेडिएशन, तो जो शील्डिंग विद क्लॉथ है कभी भी कपड़े नहीं बचाएंगे रेडिएशन से। आयोनाइजिंग रेडिएशन के अंदर गामा रेडिएशन आ जाती है। डोसीमीटर क्या होता है, टोटल रेडिएशन डोज रिसीव्ड, इसको मेजर करता है। ओके, आयोनाइजिंग रेडिएशन को देखने के लिए WBC काउंट करानी है। कोबाल्ट क्या होता है, कोबाल्ट गामा ही प्रोड्यूस करता है। इसके बाद हम आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हॉस्पिटल वेस्ट इज कलेक्टेड इन अ कंटेनर लाइंड विद येलो प्लास्टिक, है प्लास्टिक के अंदर आपने रिस्क वेस्ट डालना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि यू आर अ मेंबर ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट टीम है, सेफ डिस्पोजल ऑफ लिक्विड वेस्ट ऑफ हॉस्पिटल लाइक ब्लड यूरिया, तो उसकी केमिकल डिसइंफेक्शन करनी है। ओके, एयर पोल्यूशन ना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, पायरोलिटिक इंसिनरेटर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कि एविएशन अथॉरिटीज़ ने चाहती है कि पुअर फ्यूमिगेंट इंसेक्टिसाइड फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट, तो क्या यूज़ करेंगे, डाइक्लोरस DDVP इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है बोन डिसऑर्डर होते हैं, फ्लोराइड ड्रिंकिंग वाटर, डेंटल फ्लोरोसिस हो जाती है। ओके, रीसेंट ट्रांसमिशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इन्फेंट पैरासाइट्रेट यूज़ कर सकते हैं, और इन्वायरमेंटली फ्रेंडली मेथड है बायोलॉजिकल कंट्रोल बाय जम्बूजिया फिश है। नेक्स्ट है हेल्थ केयर एक्सपर्ट ने रिकमेंड किया डग वेल टाइप ऑफ लैटरिन होती है। ओके, तो इसमें एनारोबिक डाइजेशन टेक प्लेस होती है, इसमें होती है एक्टिविटी स्लज प्रोसेस, ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर सेवेज ट्रीटमेंट होती है, इसमें एरेशन टैंक आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर सिटी पॉपुलेशन, जिसमें शॉर्टेज ऑफ लैंड है, ग्राउंड वाटर साल्टी है लेकिन सर्फेस वाटर अवेलेबल है, तो रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन प्लांट करते हैं। रिकमेंडेड मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ लिक्विड और सेमी लिक्विड वेस्ट, जो कि कल्चर से आता है तो उसको अपने रेड में डालना होता है। ओके, इसके बाद इंजीनियर वर्किंग इन अ फैक्ट्री टेक इनटू कंसीडरेशन ऑफ 4 फैक्टर्स, जिसमें टेम्परेचर, वेलोसिटी, ह्यूमिडिटी आ जाती है। दिस इज नोन एज विच आर द फॉलोइंग इंडिसेस ऑफ थर्मल कंफर्ट, तो ये आ जाता है करेक्टेड इफेक्टिव टेम्परेचर। मेंबर ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी,
तो जो इंडिकेटर होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड स्मोक और सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं। क्लियर। इसके बाद एक फैक्ट्री है जिसमें टॉक्सिक फ्यूम प्रोड्यूस हो रहा है, तो आपने हाई प्रेशर सेंट्रीफ्यूगल फैन इस्तेमाल करनी है। केमिकल एनालिसिस करनी है जिसमें आपको हार्डनेस ज़्यादा देखने को मिली है। दिस इज द मॉडरेट वाटर, सो वाला मॉडरेट होता है 1.5 है। 1.5 का मतलब आर्सेनिक काफ़ी ज़्यादा है। ओके, पानी पीने के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद है कि जो वेस्ट ऑफ अ वेल वाज हैविंग टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस है, तो उसको रिमूव करने के लिए परम्यूटेड मेथड होता है। ब्लीचिंग पाउडर 2.3 ग्राम का आपने यूज़ करना है। ओके, इसके अलावा जो साउंड है 40 से लेकर 60 है, तो ये आपके नॉर्मल हियरिंग के अंदर आती है। डोसीमीटर क्या होता है, ये आयनाइजिंग रेडिएशन डोज रिसीव करने को मॉनिटर करता होता है। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइजीनिक हाउस डैम प्रूफ कोर्स इज यूज्ड। ओके, इसमें अपवर्ड पैसेज होती है मॉइस्चर की थ्रू द वेल्स। ओके, माउंटेन ऊपर किया है तो उसको सिकनेस हो गया है। नेक्स्ट है कि आर्सेनिक 0.5 ml है और क्रोमियम 0.5 है, दोनों को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस करते हैं। और इसके बाद सेकंड लास्ट डिजीज है, तो ये केसन डिजीज है। मिनिमम रेकोमेंडेड फ्लोर स्पेस फॉर 2 adults तो 110 तक होनी चाहिए। रूरल एंड अर्बन हेल्थ। ओके, बेसिक हेल्थ यूनिट के बारे में क्या बात ठीक नहीं है, तो इसमें एक्सरे फैसिलिटी नहीं होती। और जो रूरल हेल्थ में जो बिल्डअप एरिया है शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1/3 ऑफ द टोटल एरिया। फर्स्ट लेवल केयर फैसिलिटी में क्या चीज़ें आती है, सब चीज़ें आ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फर्स्ट लेवल केयर फैसिलिटी इज ट्रू, तो ये वो है जगह है जहाँ पे फर्स्ट कॉन्टैक्ट होता है पेशेंट का विद हेल्थ केयर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रूरल हेल्थ सेंटर इज ट्रू, तो यहाँ पे मेडिकल लीगल ऑटोप्सी की जाती है। साइन ऑफ हेल्थी सिटी कौन सा नहीं है, टी सेफ फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर। ओके, बेसिक हेल्थ यूनिट के बारे में क्या बात ठीक है, तो यहाँ पे एसेंशियल ड्रग दी जाती है। RSC में एक्सरे फैसिलिटी, मेडिकल लीगल ऑटोप्सी होती है। और कच्चे बाती के बारे में अर्बन स्क्वेटर क्या होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एन अर्बन स्क्वेटर और कच्ची आबादी इज ट्रू, ओनली दो स्ट्रेटेजी डैट रिकॉग्नाइज वैल्यूज एंड बिल्ड अपॉन कॉम्प्लेक्स सोशल सिस्टम एग्जिस्ट होनी चाहिए। क्लियर। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, कहते हैं कि दही इलाकों में आपको ज़्यादा देनी चाहिए लेकिन ज़्यादा अर्बन में है, तो क्या वजह है, इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से है। इसके बाद रूरल पॉपुलेशन में एनीमिया की प्रीवेलेंस काफ़ी ज़्यादा ड्यू टू हॉक वर्म है, तो आपने नंगे पाँव कभी भी नहीं जाना। रूरल हेल्थ सेंटर के बारे में किया, इसमें इन पेशेंट और आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है। एयर पोल्यूशन की सबसे बड़ी वजह ऑटोमोबाइल्स होती है। और इसके बाद एवर सिंस पाकिस्तान केम इनटू एग्जिस्टेंस तो 70% पॉपुलेशन रहती है। स्क्वेटर कैसे करती है, दो बंदा अनऑथराइज पोजिशन ऑफ अनऑक्युपाइड प्रीमिसिस, यानी जो कब्जा कर लेता है किसी जगह का स्क्वेटर्स। इसके बाद हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशनल सिस्टम, ऐसा सिस्टम जो कि ऑर्गेनाइज मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन प्रोवाइड करता है और उस डाटा की यूज़ फॉर मैनेजमेंट एंड डिसीजन प्रोसेस, दिस इज द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशनल सिस्टम। ओके, इसके बाद पोलियो का केस हो गया प्राइमरी हेल्थ केयर में, तो जो डॉक्टर है उसको FF1 को रिपोर्ट करेगा। इसके बाद नेक्स्ट है डे टू डे चेकिंग ऑफ द एक्टिविटी, दिस इज द मॉनिटरिंग होती है। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट तो वो होता है मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि अगर डिफरेंट लोग मेजर करें तो वैल्यू सेम आती है, दिस इज द रिलायबिलिटी। वेल डिजाइंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में वेल इक्विप्ड लेबोरेटरी नहीं होती है। हेल्थ इंडिकेटर विच मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोग्राम इज द इंपैक्ट इंडिकेटर। ओके, और एक कॉम्प्लिकेटेड डिजीज से सफर हो रहा है जो कि RSC में ट्रीट नहीं हो सकता, तो आपने कहीं भी नहीं भेजना, अल्लाह मियां के पास भेज दो। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है प्राइमरी हेल्थ केयर एंड द मिलीनियम डेवलपमेंटल गोल है, तो एक स्पेशलिस्ट है पब्लिक हेल्थ में, प्लान करते हैं टू इंट्रोड्यूस प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोग्राम है, तो ये क्या है, सिचुएशन एनालिसिस है। ठीक है, सबसे पहले सिचुएशन एनालिसिस करेगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि रूरल हेल्थ सेंटर को प्रॉब्लम, यानी जो रूरल हेल्थ प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए प्राइमरी हेल्थ केयर बनाना। प्राइमरी हेल्थ केयर में इक्विटी आती है। क्लियर। नेशनल हेल्थ पॉलिसी प्राइमरी हेल्थ केयर के ऊपर आती है। प्रायोरिटीज़ के अंदर कमिटमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर प्रोवाइडर ये नहीं आता, बाकी एलिमेंट पूछ रहे हैं, इसमें एलिमेंट आ जाएगा प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ लोकल एंडेमिक डिजीज है। वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इज एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, इसके अलावा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इंटरसेक्टोरियल और इक्विटी आ जाता है। हेल्थ सर्विस मस्ट भी इक्वली शेयर्ड बाई ऑल द पीपल इरिस्पेक्टिव ऑफ देर एबिलिटी, दिस इज द इक्विटेबल और नीड के हिसाब से इक्विटी आती है। ओके, हर एक को बराबर तकसीम करना, दिस इज द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आता है। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। हेल्थ प्लानर वांट टू इंट्रोड्यूस प्राइमरी हेल्थ केयर इन द रिमोट बैकवर्ड एरिया, तो इसमें प्रायोरिटाइजेशन नहीं आती। ओके, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है कि सिलेक्टिव प्राइमरी हेल्थ केयर में गोबी FF आ जाता है। मिलीनियम डेवलपमेंटल गोल 2000 में बनाए जाते हैं। मिलीनियम डेवलपमेंटल गोल में 8 goals है। अच्छा, द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन अ गोल, तो प्रमोशन ऑफ जेंडर इक्वालिटी आ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि कॉम्प्रीहेंसिव हेल्थ केयर होती है डिफरेंट डिपार्टमेंट में, तो इंटरसेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन है। अटेनमेंट ऑफ हाइस्ट लेवल ऑफ अ हेल्थ दैट एवरी इंडिविजुअल विल इनेबल टू लीड अ सोशली इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ, दिस इज अ हेल्थ फॉर ऑल। और अगर फीमेल यूज़ करना चाहती है फैमिली प्लानिंग, दिस इज द अनमेट नीड फॉर फैमिली प्लानिंग। इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं।
ओके नेक्स्ट डेमोग्राफी, एज पिरामिड में जो फीमेल पॉपुलेशन राइट साइड पे होती है, द फार्मूला फॉर जनरल फर्टिलिटी रेट, तो नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन अ ईयर ओवर मिड ईयर फीमेल पॉपुलेशन, यानी रिप्रोडक्टिव वाली आ जाती है फीमेल, कॉज ऑफ हाई फर्टिलिटी, तो ये सारे कॉजेस होते हैं, ग्रोथ रेट 2.6 होता है, ये आगे मालूम कर लेना ग्रोथ रेट। और रिप्लेसमेंट लेवल के बारे में क्या बात ठीक नहीं है, एट अ कम्युनिटी स्केल द रिप्लेसमेंट लेवल इज कंसीडर्ड व्हेन, ये बात ठीक नहीं है। ओके अचीव करने के लिए 60% चाहिए जब कपल टू बर्थ प्रोड्यूस करता है, इसको जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ भी कहते हैं। ओके एनुअल ग्रोथ रेट 2% है तो 35 डबलिंग टाइम होगा, टोटल नंबर ऑफ पीपल इन अ कंप्लीटेड फैमिली को टोटल फर्टिलिटी रेट यूज करते हैं, इलिटरेसी रेट सॉरी इलिटरेसी को देखने के लिए 7 साल से ऊपर देखना होता है आपने, नंबर ऑफ डॉटर अ न्यू बॉर्न विल बियर ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम अज्यूमिंग एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी एंड मॉर्टेलिटी, दिस इज द नेट रिप्रोडक्शन रेट, और ग्रोथ रिप्रोडक्शन रेट भी एक होता है। डिफैक्टो का मतलब इंडिविजुअल इज काउंटेड जहाँ पे मौजूद है, एट द टाइम ऑफ काउंटिंग है, नंबर ऑफ लाइफ बर्थ इन अ पर्टिकुलर एज ग्रुप एंड मेड या फीमेल पॉपुलेशन, तो एज स्पेसिफिक आ जाएगा। ओके एक कंट्री में जहाँ पे यंग पॉपुलेशन है, देयर इज टेंडेंसी फॉर अ पॉपुलेशन टू कंटिन्यू बियॉन्ड, इसका मतलब है कि पॉपुलेशन में फ्यूचर मदर काफ़ी सारी है, एन आर आर ज़्यादा है तो पॉपुलेशन स्टेबल भी पड़ी है। डिपेंडेंसी रेशियो कैसे निकलती है, ऊपर 15 से नीचे और 65 से ऊपर और नीचे 15 से लेकर 64 आ जाता है। ओके 2% है तो 35 डबलिंग टाइम हो जाएगा। ओके इसके बाद है कि पॉपुलेशन 1750 लेकर 2020, तो जो रैपिड पॉपुलेशन होती है उसको जे शेप कहते हैं। वाइटल इंडेक्स 100 है, इसका मतलब पॉपुलेशन स्टेबल है। एनआरआर 0.7 है, मतलब रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस कम है इनकी। एन एक्सपर्ट ऑफ सोशल साइंसेज वांट टू फाइंड डिपेंडेंसी रेशियो, तो उसके लिए आपको एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए टू अचीव रिप्लेसमेंट लेवल, तो उसके लिए CPR कितना होना है, कॉन्ट्रासेप्टिव प्रीवेलेंस रेट, तो ये 60 आना चाहिए। इसके बाद ये फार्मूला है तो आप मालूम कर लोगे। इसके बाद नेक्स्ट है कि फैमिली प्लानिंग के इंपैक्ट को देखने के लिए एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट को देखते हैं। ओके और जो यूनाइटेड नेशन फॉर कंट्रोलिंग पॉपुलेशन ग्रोथ है, वो कहती है कि वुमन को इंपावर करो तभी पॉपुलेशन रुकेगी। इसके बाद एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ है, ये फीमेल में काफ़ी ज़्यादा होती है डेवलप कंट्री के अंदर। डेमोग्राफिक के अंदर लेट एक्सपेंडिंग में डिक्लाइनिंग बर्थ रेट और डेथ रेट होता है। एज और जेंडर कंपोजिशन ऑफ इसको चेक करने के लिए पॉपुलेशन पिरामिड करते हैं। डेमोग्राफिक के अंदर क्या होती है, मॉर्टेलिटी रेट इंक्लूडेड होता है। इसके बाद ये पॉपुलेशन स्टेबिलाइज हो गया, एस शेप आना शुरू हो गया। इसके बाद PT इज इक्वल टू PT नॉट 1+R, जबकि PT नॉट का मतलब फ्यूचर पॉपुलेशन है, PT जीरो का मतलब प्रेजेंट पॉपुलेशन है, ग्रोथ रेट पर पर्सन है, ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय 100 और नंबर ऑफ ईयर यह मालूम करना है। फिजियोलॉजिकल, इसके बाद हम आगे चलते हैं। फिजियोलॉजिकल कैपेबिलिटी ऑफ अ वुमेन टू रिप्रोड्यूस, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फेकंडिटी। इसके बाद हम चलते हैं, आई थिंक ये लास्ट चैप्टर होगा इस वीडियो का, इससे पहले हम दो चैप्टर को ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं। एक मिनट देख लेते हैं, और ये बड़ा चैप्टर अगला है बायोस्टैट वाला। यस दिस इज द लास्ट चैप्टर। लेवल ऑफ द नॉलेज, तो ये ऑर्डिनल डाटा होता है। ओके नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन विद इन वन स्टैंडर्ड डेविएशन में 68 ऑब्जर्वेशन होती है। पी वैल्यू 0.05 से कम सिग्निफिकेंट होती है। लाइन डायग्राम आर यूज्ड टू शो द ट्रेंड ऑफ इवेंट विद द पैसेज ऑफ द टाइम, जबकि रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल या कोरिलेशन को शो करने के लिए स्कैटर डायग्राम का यूज करते हैं। इसके बाद मीन मीडियम और सेंटर में आके कंसाइड करते हैं। क्वेश्चन ईयर में हाई रिस्पॉन्स रेट होता है, ये बात गलत होती है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आप क्या करते हैं, डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं द ग्रुप अलॉन्ग विद ये फ्रीक्वेंसी है। मीडियन इसका क्या होगा, 7 होगा। लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ हिस्टोग्राम, तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है। काई स्केयर टेस्ट के बारे में क्या बात ठीक है, 2/2 कंसिस्टेंसी टेबल यूज करते हैं। पी वैल्यू इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग अ टाइप 1 एरर, ओके ये अल्फा एरर भी बोलते हैं, टाइप 2 को बीटा एरर कहते हैं। प्रोबेबिलिटी यहाँ पे मालूम कर लो कि कंस्ट्रक्टिंग अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हिस्टोग्राम चाहिए आपको। ओके इसके बाद आपने मालूम करना है कैटेगोरिकल डाटा। कैटेगोरिकल को क्वालिटेटिव कहते हैं, इसमें जीस के PQ ओवर एल स्केयर आ जाएगा, जबकि अगर ST आ जाए तो वो क्वांटिटेटिव आ जाता है। इसके बाद पी वैल्यू के बारे में क्या है, 0.05, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 5% होता है पॉसिबिलिटी का। इसके बाद सैंपल्स आए तो नॉमिनल डाटा, नॉमिनल डाटा के लिए आप काई स्केयर टेस्ट करते हैं, इसके अलावा फोस्टर भी कर सकते हैं, ये तो मालूम कर लोगे। इसके बाद काई स्केयर टेस्ट के बारे में क्या बात ठीक है, हम डिफरेंस बिटवीन द टू प्रोपोर्शन को चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके रेंज हम क्वालिटेटिव के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं करते। स्टैंडर्ड आरआर के बारे में क्या बात ठीक है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सैंपल साइज के। कॉन्फिडेंशियल जो सैम्पलिंग होती है, यानी फर्स्ट आइटम हम सिलेक्ट करेंगे और सेकंड आइटम उसी के बेस पर सिलेक्ट करेंगे, जिससे स्नोबॉल सैम्पलिंग होती है। ओके जो स्ट्रेटिफाइड API के लिए आपने क्लस्टर सैम्पलिंग और सबसे अच्छी स्ट्रेटिफाइड होती है। इसके बाद टेम्परेचर है, ये कंटिन्यूस डाटा होता है। इसके बाद है कि सेंट्रल वैल्यू को देखने के लिए मीडियन होता है, वेरियंस 16 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन 4 होती है। सम ऑफ स्केल डेविएशन, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वेरियंस होता है। एस्टीमेट ऑफ द डिग्री टू विच द सैम्पल मीन डिफर फ्रॉम पॉपुलेशन मीन, तो ये स्टैंडर्ड एरर होता है। ओके इसके बाद है कि जो हमारा रिसर्चर वांट टू एस्टीमेट पॉपुलेशन मीन है, तो इसके लिए कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, सैंपल साइज चाहिए और सैंपल मीन चाहिए, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हाइट और वेट, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन के ऊपर डिपेंड करती है। इसके बाद नेक्स्ट है टू फाइंड आउट द डायबिटिक पेशेंट आर मोस्ट ससेप्टेबल, तो पी वैल्यू 0.05 है, इसका मतलब क्या 5% चांस है, रिजल्ट ऑफ स्टडी सिग्निफिकेंट एट अ 5% लेवल। अ केस कंट्रोल स्टडी नीड्स टू बी कंडक्टेड टू बी तो वेदर द इंट्रावीनस ड्रग यूज है, तो कंपैरिजन के लिए हम काई स्केयर टेस्ट यूज करते हैं। ओके क्रॉस सेक्शनल स्टडी के लिए हम
क्रॉस सेक्शन स्टडी के लिए जो रेलिवेंट टॉपिक और पब्लिक एटीट्यूड होता है, डायग्राम टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल, तो ये स्कैटर डायग्राम होती है, वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल, दिस इज द रिग्रेशन कोएफिशिएंट होता है। क्वांटिटेटिव के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ZSTL का स्क्वायर होता है। डाटा ऑफ द स्टूडेंट, तो ये क्या होता है, मीन सबसे बड़ा, तो ये पॉजिटिव स्क्यूड आ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंफाउंडिंग, तो एज इसमें कंफाउंडिंग फैक्टर आ जाती है, मीन अगर बड़ा है तो ये पॉजिटिव स्क्यूड आ जाएगा, क्लियर। इसके बाद जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप क्या है हमारा, क्वालिटेटिव डाटा होता है, तो ये पाई चार्ट से आएगा। क्वालिटेटिव में भी किस टाइप, नॉमिनल टाइप ऑफ डाटा। स्टैंडर्ड एरर इज एन इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, तो इसको कम करने के लिए हम सैम्पल साइज को बढ़ा लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 95% कॉन्फिडेंस है, 95% कॉन्फिडेंस है और आपको मीन वैल्यू दी गई है, तो आपने स्टैंडर्ड एरर अप्लाई करना होता है। और रिसर्चर इज इंटरेस्टेड टू फाइंड हाउ मेनी इंडिविजुअल ऑब्जर्व और डिस्पर्स, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज करेगा। ओके, हॉस्पिटल स्टैटिस्टिक्स बड़ी खराब होती है क्योंकि डिनोमिनेटर नहीं पता होता। अब यहाँ पर पूछ रही है, तो यहाँ पे जोन ऑफ रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस है, क्यूम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को और गिव कर्व कहते हैं। ओके, बीएमआई को मालूम करना है, हाइट और वेट, तो बीएमआई क्या है, क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटी मालूम होगी। इसके बाद 127 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 6 है, तो आंसर 16 आ जाएगा, इसको देख लेना आप। इसके बाद टू डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबायोटिक, उसको चेक करने के लिए काइस के टेस्ट करते हैं, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है क्रॉस सेक्शनल स्टडी के अंदर वेट ऑफ 100 पीपल वर कैलकुलेटेड, तो 56/64, यानी जो 4 का आपने लेना है इंटरवल है, और क्लियर, ठीक हो गया 4 हमारा, ये कॉन्फिडेंस इंटरवल आ जाएगा। इसके अलावा 60 आपका मीन दिया हुआ है और जी वैल्यू आपने मालूम करनी है, क्लियर, तो जी वैल्यू आप मालूम कर लोगे तो 95% तक आ जाएगा। इसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट है स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेटर वांट टू टेस्ट द एफिकेसी ऑफ अ न्यू वैक्सीन, तो एफिकेसी ऑफ न्यू वैक्सीन फॉर अ प्रिवेंशन। ओके, सैंपल साइज 30 या 40 से नीचे होता है, क्या यूज़ करते हैं, फोस्टर एग्जैक्ट टेस्ट करते हैं। 95% के लिए क्या होता है, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी या स्टैंडर्ड एरर आ जाएगा, क्लियर। इसके बाद इसको छोड़ देते हैं, न्यूमेरिकल आप कर लेना, ठीक है। इसके बाद है कि डिफरेंस बिटवीन द मीन वेट, वेट क्या होता है हमारा, क्वांटिटेटिव होता है, इसके लिए आप टी टेस्ट करते हैं, काइस के टेस्ट नहीं करते। नॉमिनल डाटा है और सैंपल साइज 300 है, तो आपने काइस के टेस्ट करना है, क्लियर। इसके बाद टू मीन, तो उसको देखने के लिए कौन सा टेस्ट करेंगे, टी टेस्ट करेंगे, क्लियर। स्टैटिकली डिफरेंस टू मीन, अप्रोप्रिएट टेस्ट ऑफ सिग्नेस इज अ टी टेस्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, काइस के टेस्ट वैल्यू है 3.84 निकली है, 5.7 है, हमारी वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब ओरिजिनल से बड़ी है, तो टेस्ट रिजल्ट सिग्निफिकेंट है। इसके बाद नेक्स्ट है कि मीन फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, इसकी वैल्यू मालूम कर लेना, वेदर देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन बीएमआई, बीएमआई क्या क्वांटिटेटिव, तो उसके लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, टी टेस्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है क्या, सर्वे कंडक्टेड जिसमें 10% लोग थे वो वर फ्यूली इम्यूनाइज्ड है, क्लियर। तो 10% को मल्टीप्लाई करना 3.6 से पाई चार्ट में, क्योंकि यहाँ पे 360 का एंगल आपने पूरा करना होता है। पाई चार्ट आप शो करते हो किसके लिए, क्वालिटेटिव के लिए शो करते हैं। ओके, इसके बाद है कि कोरिलेशन आपको पॉजिटिव देखने को मिली, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है। इसके बाद है पॉपुलेशन वाज चिल्ड्रन, पॉपुलेशन वाज नोटेड, दिस इज द लाइन डायग्राम, मैक्यूलोपैपिलर रैश या मीजल्स है, तो ये नॉमिनल डाटा होता है। इसके बाद ये वैल्यूज वाला है, तो आप इसको देख लेना, मालूम कर लेना, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल इज रिगार्डेड एज अ कैटेगोरिकल डाटा। ओके, तो कैटेगोरिकल डाटा इसमें कौन सा होता है, इसमें जेंडर कैटेगोरिकल डाटा होता है, क्लियर। हाँ ठीक है, कैटेगोरी को क्वालिटेटिव भी कहते हैं। 40 से कम हो तो आपने क्या यूज़ करना है, फिस्टर एग्जैक्ट टेस्ट, वैसे काइस के टेस्ट आना चाहिए था, नॉमिनल सैंपल साइज स्मॉल, नहीं स्मॉल के लिए ठीक है, स्मॉल के लिए फोस्टर एग्जैक्ट टेस्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि 95% प्रोबेबिलिटी का मतलब 95% वैल्यू इसमें करेगी। इसके बाद ये वाला जो ग्राफ है नेगेटिवली स्क्यूड है, ये राइट साइड पे गई है। ओके, इफ़ अ डाटा इज प्रेजेंटेड इन अ कर्व फॉर्म, तो जो पीक होती है वो मोड का शो करती है, फिर यहाँ पर जो डाटा दिया हुआ है दिस इज द टाइप ऑफ ऑर्डिनल डाटा।